गुड आफ्टरनून एवरीवन. हेलो रोहित, हेलो साक्षी. यस गाइस, गिव मी अ कंफर्मेशन वेदर आई एम वेरी क्लियरली लाइव ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सीम टू बी लाइव नाउ. हेलो साक्षी, हेलो रोहित. गाइस जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन वेदर आई एम वेरी क्लियरली ऑडिबल विजिबल. जल्दी से एक बार बता दीजिए. आज का एजेंडा मैं आपके साथ क्लियर कर लेता हूं और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कंपटीशन लॉ के पूरे जो भी 15, 18 मार्क, 20 मार्क का एग्जाम में आता है उसके लिए ये लास्ट पोर्शन होने वाला है. यस यस साक्षी जी, यस. ओके ओके ओके, सीम्स दैट आई एम लाइव नाउ, सीम्स दैट ऑडिबल विजिबल वेरी क्लियरली. हेलो विनय, हेलो साक्षी. चलो, ऑल सीम्स टू बी गुड नाउ गाइस. Let's now get into the session. Before I proceed, let me just make few points from my side very, very, very clear. Now, why have we met today? What is the reason we have met today? See, in competition law, jo main core provisions the, that is section 3, 4, 5, 6, that we saw in detail. Now, most of the cases, most of the questions can be cracked by you guys if you are comfortable with 3, 4, 5, 6. Why we have met today, there are some more intricacies involved in competition law. Specifically, जो CA final में, exam में questions आते हैं, exam में cases आते हैं, उससे related कुछ और intricacies involved है. मैं चाह रहा हूँ कि वो intricacies मैं आपको बता दूँ. जो ऐसे procedures है जिसमें otherwise आपका बहुत ज़्यादा time चला जाएगा, मैं चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ. और of course, उसके बाद मैंने आपके लिए एक notes compile किए हैं. Notes नहीं कहना चाहिए उसे. उसे कहना चाहिए कि ना एकदम एग्जाम स्पेसिफिक एक कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. स्पेशल क्लास भी होगी एक डाउट्स के लिए. तो आज के एजेंडा में, आज के सेशन में हमारा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन क्लियर है. ऐसी सारी गंदी चीजें, गंदी चीजें मैं बोल रहा हूँ जो एक बच्चे के लिए बहुत ही अजीब है ना, बच्चे के लिए बहुत ही ट्रिकी है यार, कि क्या है ये, क्या है ये, क्यों है ये. मतलब वो सलमान खान बन जाता है आदमी तेरे नाम का, कि क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है. हम अगर अच्छा लगता तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है. तो वो सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड मामला है, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वही बता सकता है. ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग आज मिले हैं. हेलो कपूर भाई. अरे कपूर जी, कल आ रहा हूँ मैं आपके लिए. 186 से 193 कपूर जी, कल आ रहा हूँ आपके लिए मैं, डोंट वरी ब्रदर. चलिए, हेलो शिवानी, गुड आफ्टरनून. हितेश भर भाई, हेलो. चलिए क्लास, लेट मी नाउ जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू. And we kick start with today's session. हम लोग का अभी का session हम लोग शुरू कर लेते हैं. आ जाइए क्लास, let me take you to very 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 interesting portion. Stay with me, in the shortest possible time would complete things for you today. And you will be geared up for 18-20 marks, whatever you know weightage it carries. चलिए आ जाइए. After competition IBC, yes रोहित भाई. पहले मैं आपको बता दूं कि आज का competition law session खत्म होगा, तो company law का एक meetings of the board है, उसमें section 186 से 193 करना है पहले. तो पहले मैं वो करवा रहा हूँ, कल उसके ऊपर session है भाई लोग, उसके बाद हम लोग कोई भी दुनिया की बातों में जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. Just a moment guys, it's taking a little while to start. चलिए 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 चलिए. Not starting because yep. तो भाइयों देखो, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, 8-8 घंटे हमने एक चैप्टर में जो डाले हैं, उसका इंटेंशन क्या है. इंटेंशन यार काट पीट के चैप्टर 7 है, जो इकोनॉमिक लॉ 6D के लिए जो बच्चे टेंशन में थे. भाई देखो, एक जो चैप्टर है उसका 18 नंबर 20 नंबर हमने कवर कर लिया, ठीक है. अब मैंने एकदम ही छोटे छोटे वीडियो बनाए होते तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता नहीं. मैंने पूरा ऐसा वीडियो दे दिया है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. एक हमारा चैप्टर खत्म मान लेना चाहिए हमको आज के सेशन के बाद. अभी इसमें आप ही के सिलेबस के कुछ कुछ ऐसे पोर्शन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपसे खुद से शायद नहीं हो पाता. तो अब ICAI के मॉड्यूल में मैं हूं,
अब आईसीआई के मॉड्यूल में आप देख रहे हो कि ड्यूटीज पावर्स फंक्शंस ऑफ कमीशन देन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल देन कॉम्पिटिशन एडवोकेसी. नाउ दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू माइट नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव नॉट एक्सपीरियंसड इट फर्स्ट हैंड. तो क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कुछ चीजों का नहीं है, वो कुछ चीजें ऐसी है जो मैं मेरे साइड से बताने की कोशिश करूंगा. ठीक है, ओके मित्रों, एक बात जो मुझे बोलनी थी वो क्लियर हो गई है, क्योंकि एजेंडा क्लियर होना चाहिए. आज का एजेंडा क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन, पेनल्टी, डीजी को है कौन, डायरेक्टर जनरल कौन आदमी है, डायरेक्टर जनरल क्या करता है ये डीजी, कमीशन में कौन लोग होते हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डिटेल में आज समझेगी. जो आपके आईसीएआई का मॉड्यूल से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कि वहीं से रेफर करना चाहिए मोस्टली, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ ऐसी चीजें दी हुई है जो शायद आपके ऊपर से जाएगी, तो वो वाली चीजें हम लोग कवर कर लेंगे ताकि आप लोगों को उसमें परेशानी ना जाए. ठीक है, तो कमीशन, कमीशन के बाद हम लोग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरमैन क्या होता है, एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, अब सैलरी तो याद नहीं कराऊंगा मैं उनकी बैठ के आपको, बट कोशिश यही होगी कि कमीशन की ड्यूटीज क्या है, उसके पावर्स क्या है, क्योंकि इसके ऊपर केस लॉ बनेगा. और ये जो देख रहे हो ना आप सेक्शन 19, सेक्शन 19 जो है बच्चा समझ ही नहीं सकता खुद से. तो सेक्शन 19 जो है, इंक्वायरी इंटू सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरी इंटू सर्टेन अग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजिशन ऑफ एंटरप्राइज, सेक्शन 19 जो है, दिस वी विल कंप्लीटली कवर. ये पूरा पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, इसकी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इट, ये हम लोग कवर कर रहे हैं आज. इसके साथ ही साथ, जस्ट गिव मी मोमेंट, या इसके साथ ही साथ जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में भी क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो इत्मीनान से पढ़ना, जो पढ़ना एक ही बार पढ़ना है हमको, इत्मीनान से पढ़ना, दैट इज व्हाट आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जितने भी लर्नर्स, अभी जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सबको भाइयों एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारी जो चीजें मैं आज बता रहा हूं ना, ये सारी चीजों को एक बार पढ़ना है. आप शायद खुद से बैठोगे ना तो थोड़ी लगेगी आपकी, टाइम वेस्ट होगा बहुत आपका, तो वो करने के बजाय हम लोग साथ साथ कर लेते हैं. तो जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही लगेगा, बट हाँ, उसके बाद सीसीआई जब ऑर्डर्स पास करती है तो कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है, पेनल्टी कितनी लगा सकती है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं. चलिए चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं भाइयों, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया की सारी आड़ी टेढ़ी चीजें जो है, वो आड़ी टेढ़ी चीजें ही पकड़ने के लिए हम लोग मिले हैं, उन्हीं को पकड़ने के लिए मिले हैं. और उसके बाद स्पेशल क्लास आ रही है डाउट्स के लिए, और एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है, जो प्लेन पीडीएफ में आपको दे दूंगा. वो पीडीएफ लो, एग्जाम में चले जाओ, इंडेक्स बना हुआ है, कीवर्ड्स बने हुए हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड आएगा, जैसे ही वो कीवर्ड दिखा वैसे ही आप कौन से पेज नंबर पे जाके रेफर करोगे, वो सारा मटेरियल प्रिपेयर कर लिया है, स्पेशल क्लास में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आ जाइए, मैं आपको ले जाता हूं प्रोसीजर्स में, मैं आपको ले जाता हूं बहुत ही आड़ी टेढ़ी चीजों में. चलिए शुरू करते हैं. ऑल राइट देन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नाउ बिगिन. हाउ मेनी पीपल आर लाइव टुडे गाइस, हाउ मेनी पीपल लाइव, आ जाइए. ओके 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 ओके, चलिए शुरू करते हैं. हम लोग जा रहे हैं सीधा बड़े मुद्दे में, ठीक है. जस्ट गिव मी वन मोमेंट, देर इज वन पीडीएफ विच इज नॉट गेटिंग शेयर्ड, आई वुड जस्ट शेयर इट फॉर यू, वन मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट. All right then, let's get started. Extremely sorry, there is some glitch in the sharing of notes. Just a moment.
Extremely sorry, guys. One second, please. One second. तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग रखा हुआ है आप लोगों के लिए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ और फिर शुरू कर लेते हैं चीज़ों को। इसको शेयर करने में कल भी तकलीफ़ हो रही थी तो मैंने बैकअप बना के रखी हुई थी, मुझे पूरा आइडिया था कि गड़बड़ हो सकती है तो मैंने एक बैकअप रखा हुआ है, डू नॉट वरी। आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए 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 मित्रों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधे मेन मुद्दे में आ जाते हैं। आ जाओ भाइयों, सीधे मेन मुद्दे में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, इन द मोस्ट क्रिस्टल क्लियर वे इसको करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कंपोजिशन है, हमारी पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जो कंपटीशन को लॉ को रेगुलेट करती है, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, मैक्सिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं पावर्स की बात करूं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स वही पावर्स हैं जो हिंदुस्तान में सिविल कोर्ट्स को दिए गए हैं। तो सिविल कोर्ट्स के पास जो पावर होते हैं, हर वो पावर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं हियरिंग्स में? तो इस पर जो कानून है वो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया खुद के प्रोसीजर्स बना सकती है। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने होंगे। इसका मीनिंग क्या है, इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है, उस पर भी आऊंगा मैं, बट अभी के लिए जितना जरूरी है उतना समझ लीजिए। हिंदुस्तान में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें एक चेयरपर्सन है और 3 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। पहले 6 मेंबर्स हुआ करते थे, बाद में अमेंडमेंट हुई और उसके बाद अब जो किस्सा है अमेंडमेंट के बाद वो ये है कि 1 चेयरपर्सन, मैक्सिमम 3 मेंबर्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, देन यू हैव अ वेरी वेरी वेरी, सब मेरे भाई मेरी कम्युनिटी पोस्ट में आएंगे, जस्ट बी पेशेंट। मैंने एकदम रेडीमेड काम तैयार कर दिया है आपका, सबका पूरा ही टाइम बचा दूंगा मैं। मैंने 2 दिन का जो टाइम लिया ना, मैंने इसलिए लिया कि भाई मैं पूरा खत्म ही करता हूँ, इसको किल ही करते हैं। टोटल 6D में 18-18 20-20 नंबर का वेटेज है ना, पूरा मेरे पे छोड़ दो। ये जितने चैप्टर मैंने उठाया वो मैं पूरा पूरा खत्म करवाऊंगा, ठीक है? तो आप इस पे छोड़ दो। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सब मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले। अनअकैडमी में मुझे आपको फॉलो, आप मुझे फॉलो करना पड़ेगा और वहां आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है? तो आ जाइए क्लास। बिफोर वी प्रोसीड, देर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू स्टिल टेल यू। आप आगे जाएं इसके पहले मैं आपको बहुत ही जल्दी से बता देता हूं कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आइकॉनिक कोर्सेज को, एंड वेन एवर यू आर विलिंग टू ज्वाइन आर प्लस बैचेस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माई कोड Rahul108। प्लस बैच जो होगी भाइयों, प्लस बैच में आपको कुछ एडवांटेज मिलने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि प्लस बैच में यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल फैकल्टी मटेरियल, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट। और मेरी जो बैच है वो नवंबर के लिए शुरू हो रही है अप्रैल में, तो जो मेरी लॉ की बैच है वो अप्रैल में शुरू हो जाएगी। नवंबर अटेम्प्ट के लिए मेरी बैच शुरू हो रही है और मे वाले भाइयों को यूट्यूब में मैं हेल्प करता रहूंगा, स्पेशल सेशन में मैं उनको हेल्प करता ही रहूंगा। चलिए, 2 चीजें मेरे को सिंपल सी बताने दो, आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ओवरऑल कंपोजिशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान में नोडल बॉडी है भाई, चेयरपर्सन है, मैक्सिमम 3 मेंबर्स होते हैं। तो ये है कमीशन का बेंच। तो हिंदुस्तान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, 1 चेयरपर्सन है, मैक्सिमम 3 मेंबर्स है। दूसरी बात, अभी डीजी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया है, रॉ एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? प्लीज फोकस करिए हितेश्वर भाई, वो जो आईसीआई का मटेरियल है वो पुराना हो चुका है, उसमें पहले 6 मेंबर्स हुआ करते थे, उसमें अमेंडमेंट हो गई है ब्रदर, डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी,
हितेश्वर भाई चेयरपर्सन, और ये जो आप बोल रहे हो, अच्छा हुआ आपने ये वाली क्लास अटेंड कर ली। वो जो ICAI का मटेरियल है उसमें पुरानी चीजें दी हुई है, चीजें बदल चुकी है और बदलते हुए भी काफी साल हो गए, 1.5 साल के ऊपर हो गया उसको। तो करंट अटेम्प्ट पे जो मैंने बताया दैट विल होल्ड राइट फॉर यू। अब डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मैं आपको एकदम देसी तरीके से बता देता हूं। समझ लीजिए हम आपस में बैठ के अगर घर घर के बाहर बैठ के ऐसा बात कर रहे होते, तो कैसा बात कर रहे होते, ये डीजी कौन होता है, डायरेक्टर जनरल कौन होता है? तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, डायरेक्टर जनरल जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। डीजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में मदद करता है। वो कितना ज्यादा रेलेवेंट और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अब भी पता चल जाएगा जब हम इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही जबरदस्त हेल्पिंग हैंड होने वाला है। डायरेक्टर जनरल अंडर कंपटीशन एक्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डीजी इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी अंडर द एक्ट एंड ही इज गोइंग टू असिस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग व्हाट, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी इनटू द कॉन्ट्रावेंशन और प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो डीजी जो है बेसिकली सीसीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए और इंक्वायरीज के लिए हेल्प करने की एक अथॉरिटी है, इतना याद रखिए। चलिए क्लास, यस ब्रदर, मैं आपको वही बता रहा हूं हितेश्वर भाई, यस ब्रदर, मैं आपको वही बता रहा हूं कि चीजें बदल गई है। वो मटेरियल जो है कम से कम 2-2.5 साल पुराना मटेरियल है, क्योंकि जो चीजें हैं वो 100% बदल गई है। मैं आज चाहूं तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट में से पढ़ा सकता हूं, तो प्लीज बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग इट, आई टीच कंपटीशन लॉ ऑन ऑल लेवल्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। मोर देन दैट आई एम टेलिंग यू दैट दैट हैज चेंज्ड। तो आप ये वाला जो मटेरियल का लिखा हुआ है ये आप फॉलो कर सकते हो, आपको नंबर आपके नहीं कटेंगे। चलिए अब मैं आपको इन्वेस्टिगेशन में लेकर जा रहा हूं। अब ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये ऐसी चीज है जिसमें बच्चे का बहुत दिमाग खराब होता है। ठीक है, आप अकेले पढ़ोगे पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, इसीलिए ये वाली चीज मैं सबसे पहले उठा लेता हूं, सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूं और एज इट इज ये नोट्स आपके पास रहेंगे। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर हिंदुस्तान में कोई मर्जर, कोई एक्विजिशन, कोई कॉम्बिनेशन वो बनेगा तो क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, एक चीज वो हम पढ़ेंगे। सेकेंड चीज, अगर कभी Section 3 या Section 4 मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के केसेस होंगे तो किस तरह से इंक्वायरी होगी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, आप प्लीज मेरी बात को एक बार पूरा सुन लीजिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स भी हैं आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। मैं स्पेशल क्लास शेड्यूल करवा रहा हूं, उसमें आपको जितने डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। 18 से 20 नंबर का वेटेज है भाई, इस चैप्टर का मजाक हो रही है, टोटल मिला के 7 चैप्टर पढ़ने हैं यार। ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अगर बच्चे ने 1 महीना भी प्रिपेयर किया अच्छे से तो भाई 6D में 60 क्रॉस हो जाते हैं आपके। तो आइए क्लास, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सब काम भूल जाइए, सब काम छोड़ दीजिए, ये जो किस्से हैं दोनों ये मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लीज इस पे फोकस करिए। चलिए, ओके ऋषभ भाई, थैंक यू ब्रदर। चलिए ना, अब हिंदुस्तान में जब भी कभी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, आप तो सब जानते ही हैं Section 5 और 6 कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करते हैं, आप तो सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में बड़ा मर्जर होगा, बड़ा एक्विजिशन होगा, कोई एक दिग्गज कंपनी दूसरे दिग्गज कंपनी के असेट्स एक्वायर करेगी, चाहे इंटेंजिबल असेट्स टेंजिबल असेट्स, तो ऐसे केस में तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की परमिशन लगती है। तो सीसीआई कैसे काम करती है वो मैं आपको बताता हूं। आइए, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी, हम कौन से सेक्शन से रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे हैं, हम लोग Section 5 और 6 में जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जब भी कोई मर्जर एक्विजिशन असेट परचेस
कंट्रोल एक्वायर करने की बातें होती है तो सीसीआई की अप्रूवल लगती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोई भी कंपनी ये इंफॉर्मेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे, जैसे ही मर्जर एक्विजिशन असेट परचेज इसकी इंफॉर्मेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आएगी, रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेल के असेट्स एक्वायर कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस रिटेल फ्यूचर मतलब किशोर बियानी का ये बिग बाजार वाले सभी सभी असेट्स एक्वायर कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो सीसीआई को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई सीसीआई हम एक मर्जर कर रहे हैं भाई, आपको बताना था, कानून था तो आपको बता रहे भाई। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू हैपन, सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाएगी। सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाएगी कि ये जो बड़ा दिग्गज मर्जर हो रहा है, ये जो बड़ा दिग्गज एक्विजिशन हो रहा है, क्या ये एक्विजिशन या मर्जर की वजह से कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इज इट कॉजिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। अगर कंपटीशन पर दुष्प्रभाव हो ही नहीं रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर कंपटीशन पर दुष्प्रभाव नहीं हो रहा, अगर कंपटीशन हैम्पर हो ही नहीं रही, तब तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं करेगी, बोलेगी ठीक है भाई घर जाओ, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड, आज के बाद शक्ल मत दिखाना, इसके बाद तुम हमारे पास मत आना, कोई जरूरत नहीं हमारे पास आने की। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कमीशन बोलेगी हमको अब कुछ नहीं करना। तो जैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी मर्जर कोई भी एक्विजिशन का अप्रूवल के लिए इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले चेक किया जाता है। प्राइमा फेसी ओपिनियन का मतलब होता है सीसीआई प्राइमा फेसी, मतलब ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सीसीआई सीधे सीधे प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाती है, अबे इसमें कोई कंपटीशन इशू है भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो काय को टाइम वेस्ट करें। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमा फेसी ओपिनियन बना कि भाई इस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है कंपटीशन के ऊपर, सीसीआई बोलेगी घर को जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अप्रूव कर देगी ट्रांजैक्शन को, अप्रूव कर देगी मर्जर को, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि किसी मर्जर या एक्विजिशन की वजह से कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है मर्जर या एक्विजिशन की वजह से, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी पार्टीज होंगी उस मर्जर में उस एक्विजिशन में उनको शो कॉज नोटिस भेजेगी। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। सीसीआई उनको उन पार्टीज को शो कॉज नोटिस भेज के पूछेगी बताओ हम तुम्हारा मर्जर क्यों नहीं डिनाई करें, क्यों हम तुम्हारे मर्जर को डिनाई ना करें। तो हम शो कॉज नोटिस भेजेंगे पार्टीज को कि तुम जो मर्जर कर रहे हो उसकी वजह से कंपटीशन हैम्पर हो रहा है, तो हम शो कॉज नोटिस भेजेंगे पार्टीज को कि भैया पार्टीज कमीशन मानती है कि तुम्हारे मर्जर की वजह से कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो तुम हमें कारण बताओ कि ये डील को क्यों नहीं रिजेक्ट किया जाए। तो बेसिकली हम लोग उन पार्टीज को पूछते हैं कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारे हिसाब से तो गलत है, अभी तुमको लगता है कि ये सही है तो रीजन बताओ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, तो पार्टीज को हम लोग भेज देते हैं शो कॉज नोटिस, पार्टीज इस पर रिस्पॉन्ड करती है, पार्टीज इस पर रिस्पॉन्सेस सबमिट करती है। मान लो हमने मुकेश अंबानी को, रिलायंस के मुकेश अंबानी और फ्यूचर के किशोर बियानी, इनको हमने नोटिस भेजा कि मोटा भाई, मोटा भाई हमको लगता है कि तुम रिटेल मार्केट को खा जाओगे और तुम दोनों साथ में आओगे तो इंडिया में रिटेल मार्केट पे कब्जा कर लोगे, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं अप्रूवल। तुमको लगता है ना कि तुम्हारे डील से कंपटीशन पर हैम्पर नहीं होगा, तो एक बात बताओ, तुम ही हमको बताओ कि क्यों ये ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया जाए। उसके बाद क्या होगा, मोटा भाई, किशोर अंबानी, मुकेश अंबानी और किशोर बियानी, ये दोनों अपनी अपनी बातें कमीशन को बताएंगे। ठीक है,
आफ्टर द पार्टीज रिस्पॉन्स, अब क्या होगा, हमने शो कॉज नोटिस भेजा पार्टीज को, अब पार्टीज अपना अपना रिस्पॉन्स बनाकर डायरेक्टर जन अपना अपना रिस्पॉन्स बनाकर कमीशन को सबमिट करेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन में जो भी पार्टीज होगी वो अपने अपने रिस्पॉन्सेस कमीशन को सबमिट करेगी और उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो डायरेक्टर जनरल होगा वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। पूरा प्रोसीजर फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, मुकेश अंबानी को, रिलायंस रिटेल को किशोर बियानी का बिग बाजार खरीदना है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डील हुई तो ये लोग सीसीआई को बताएंगे कि भैया बिग बाजार को रिलायंस रिटेल को मिला रहे, मर्जर कर रहे। वो लोग कमीशन को बताएंगे, कमीशन प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाएगी। अगर कमीशन को लगा कि कंपटीशन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा, एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, हम बोलेंगे घर को जाओ, अप्रूव डील, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर सीसीआई को लगा कि इट मे कॉज अ प्रॉब्लम, तो हम दोनों पार्टीज को, रिलायंस रिटेल को और बिग बाजार को, नोटिस भेजेंगे, शो कॉज नोटिस भेजेंगे कि भैया हमको लगता है कि कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तुम अपनी अपनी इस पे सफाई दो। रिलायंस रिटेल और बिग बाजार अपनी अपनी सफाई देंगे तो ये जो पार्टीज के रिस्पॉन्सेज आएंगे, इस इन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे जो कमीशन में डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट तैयार करने के बाद, जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार होने के 7 दिनों के अंदर पार्टीज को, द सीसीआई शैल डायरेक्ट पार्टीज टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन विद इन 10 डेज। तो जैसे ही रिपोर्ट बनी, 7 दिनों के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सीसीआई जो है वो पार्टीज को बोलेगी कि भैया सुनो, 10 दिनों के अंदर तुम पूरी की पूरी मर्जर या एक्विजिशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है उसको पब्लिश करो। उसके बाद हिंदुस्तान में जो भी पार्टीज को इसका इंपैक्ट होने वाला होगा, जिसको भी इस दुष्प्रभाव का असर होने वाला होगा, 15 दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज द पार्टीज अफेक्टेड कैन फाइल द ऑब्जेक्शंस ऑन दिस डील। रिलायंस रिटेल और बिग बाजार, इनके मर्जर होने की वजह से अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी को कोई प्रकार का नुकसान हो रहा है, कोई पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहती है, तो वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगी 15 दिनों के अंदर। और उसके बाद सीसीआई चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन 15 डेज मंगवा सकती है। फाइनली अगर हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगवाई तो उसके विद इन 45 डेज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना फाइनल फैसला सुना देगी कि ये मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डील अप्रूव होगी, कॉम्बिनेशन जो है ये बराबर है, या ये कॉम्बिनेशन जो है कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसका, ठीक है। ये एक मोटा मोटा प्रोसीजर है, इसको आप पढ़ने बैठते भाई बहुत समय लग जाता, बहुत टाइम आपको लग जाता, मेरा बहुत बार पढ़ा हुआ है, मैं आपको जल्दी बता सकता हूँ, टाइम बचा सकते हम लोग, कुछ भी नहीं क्लास। मर्जर एक्विजिशन को कॉम्बिनेशन बोलते, अभी कॉम्बिनेशन बना तो क्या होता, CCI में इंफॉर्मेशन फाइल होती। जस्ट अ मिनट गाइस, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, सो मेनी ग्लिचेस। ध्यान से सुनिए भाई, कोई भी कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड CCI में इंफॉर्मेशन आती है तो CCI सबसे पहले अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाती है। प्राइमा फेसी ओपिनियन का मतलब होता है, विदाउट गेटिंग इन टू द डिटेल्स, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाती है कि किसी मर्जर की वजह से या कॉम्बिनेशन की वजह से कॉम्पिटिशन पर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कॉम्पिटिशन पर इफेक्ट नहीं हो रहा है तब तो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा तो हम जो जो कॉम्बिनेशन में पार्टीज होगी उनको शो कॉज नोटिस भेजेंगे। शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद पार्टीज रिस्पॉन्स अपना अपना सबमिट करेगी। जैसे ही रिस्पॉन्सेज आएंगे, डायरेक्टर जनरल उन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करेगा। कंपटीशन पर क्या इंपैक्ट होगा किसी कॉम्बिनेशन का, उस पर रिपोर्ट तैयार करेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 7 दिनों के अंदर, विद इन 7 डेज ऑफ रिसीविंग डीजीज रिपोर्ट, सीसीआई क्या करेगी, पार्टीज को बोलेगी सुनो सुनो पार्टीज, 15 10 दिनों के अंदर अपनी पूरी डिटेल्स
कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल्स आप पब्लिश करो, और जब वो लोग अपनी पूरी डिटेल्स पब्लिश करेंगे उसके विद इन 15 डेज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को कोई भी समस्या है तो वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं अपनी, और सीसीआई चाहे तो विद इन 15 डेज पार्टीज ने ऑब्जेक्शन फाइल कर ली उसके, और विद इन 15 डेज सीसीआई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपसे मांग सकती है। फाइनली ये जो 15 डेज का विंडो है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, उसके बाद जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है उसके विद इन 45 डेज हम लोग सीसीआई अपना फाइनल कंक्लूजन दे देती है कि अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉम्बिनेशन अप्रूव होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस सब चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये सब कुछ रेडीमेड आपके पास अवेलेबल रहेगा, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। मेरा सिर्फ यही काम था कि मैं इस तरह से आपके लिए पेज नंबर वगैरह लिख दूं कि भाई इधर आईसीएआई का एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम के क्वेश्चन में जो कीवर्ड दिखे आपको, किससे रिलेटेड मैटर है आपको दिखा, तो मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगा, भैया एक काम कर, ये वाले पेज नंबर पे जा, ये वाले पेज नंबर पे, ये वाले लाइन पे जा, खत्म कर काम। 20 नंबर मिल रहे हैं यार सीए फाइनल में, 18-20 नंबर की वैल्यू पता करो आप। देखो टोटल 400 नंबर होते हैं, 400 में से अगर 20 नंबर इस चैप्टर पे है, 15 से 20 नंबर तो पक्का है। अबे तो 5% होता है यार, अपने को तो 200 ही नंबर चाहिए होते हैं एक मॉड्यूल में, तो एक मॉड्यूल का 10% नंबर है ये, मजाक तो है नहीं। तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर है, नहीं भी आप दोबारा 50 बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, और ये नोट्स आपके साथ शेयर होने वाले हैं। अब दूसरी बात, दूसरा ऐसा मामला जहां पर बच्चे को बहुत तकलीफ होती अगर वो खुद से पढ़ता, दूसरा ऐसा मामला कौन सा है? जब भी हिंदुस्तान में कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट होते हैं, जब भी हिंदुस्तान में कोई अपने दबदबे का गैरवाजिब फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन सीसीआई में फाइल होती है, उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल होती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साक्षी सेइंग क्लियर सर, ऋषभ भाई तो बहुत ही सही आदमी है यार, वी बिलीव इन यू सर, प्लीज प्रोसीड। अब मैं आपको ये दूसरा मामले में लेके चल रहा हूं। अब ये दूसरा मामला जो है ना, ये भी बच्चे को बहुत तकलीफ देता है। अब क्या है, जब तक किसी ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखा नहीं है, तो सही मायने में कैसे उसको रिलेट, वो सोच ही नहीं पाता बेचारे, इमेजिनेशन ही नहीं आती बच्चे की, उसको हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैंने तो कुछ केसेस देखे हैं, 600-600, 800-800 पन्ने, 200-200 पन्ने का जजमेंट रीड किया है, मैं आपको इसमें पूरा बता देता हूं एग्जैक्टली क्या होता है। पहले मेरे को थोड़ा लाइव समझाने दो इस मैटर को। व्हाट इज द हेडिंग? द हेडिंग इज प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इफ एन इंफॉर्मेशन इज फाइल्ड एलिजिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और 4। हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट करेगी, हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी अपने डोमिनेंट पोजिशन को अब्यूज करेगी, तो उसके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज कराएगा सीसीआई में, तो सीसीआई क्या करेगी, सीसीआई कैसे मूव करेगी, वो हम पढ़ने के लिए मिले। ओके, चलिए तो फर्ज करो आप ही लोगों को मान लो तकलीफ हो गई। मुंका जी क्या कर रहे हो? अच्छा, साक्षी जी से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी आपको मुझसे तकलीफ हो गई, मान लो 3 साल बाद, सी दिस इज इन अ लाइटर वेन आई एम सेइंग, ठीक है, बहुत ही मजाक में कह रहा हूं, आप मैं इसको सही नहीं मानता या मुझे कुछ पता नहीं है मैं जो बोल रहा हूं, इट्स जस्ट नो लाइक इन अ लाइटर वे आई एम सेइंग। मान लो 1 साल बाद हो सकता है, हु नोस, मान लो 1 साल बाद मैं इंडिया का सीए फाइनल का लॉ का नंबर 1 फैकल्टी बन गया, अभी तो मैं नहीं हूं लेकिन पोटेंशियल है, कंटेस्टेबल मार्केट है और बंदे में पोटेंशियल है, मार्केट एक्सेप्टेंस है, बच्चे पसंद करते हैं, ये तो 10 साल से मैं टीचिंग में हूं, तो ये तो ऑलरेडी सिद्ध है, प्रत्यक्ष को प्रमाण को प्रत्यक्ष क्या क्या बोलते हैं। कल को मैं ही डोमिनेंट एंटिटी बन गया, मैं ही सीए फाइनल में बेताज बादशाह बन गया हिंदुस्तान में, और आपको मेरे खिलाफ कंप्लेन करनी रही। मान लीजिए कोई बच्चे को मेरे खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जाना है, तो वो जाके क्या बोलेंगे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
राहुल सर, रेलेवेंट मार्केट आप बताओगे? राहुल सर सीए फाइनल लॉ में प्रोडक्ट हो गया सीए फाइनल लॉ। राहुल सर सीए फाइनल लॉ में इंडिया में डोमिनेंट हैं और वो बच्चों के साथ गैर वाजिब शर्तें लगाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया जो बच्चा आज के सेशन का पढ़ के नहीं आएगा कल उसको सेशन में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, तो मान लो आप मेरे खिलाफ गए, आपने बोला राहुल सर सीए फाइनल में डोमिनेंट है और ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, तो सीसीआई करेगी क्या? सीसीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी कैसे? अब ये सेक्शन 4 का केस है, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज, ये सेक्शन 4 का केस है, सीसीआई करेगी क्या? सबसे पहले अगेन यहां पर भी क्या बनाया जाएगा मित्रों, सबसे पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन। सबसे पहले सीसीआई अपनी बेसिक जांच करेगी, बेसिक जांच में, बेसिक जांच पड़ताल में सबसे पहले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिटरमाइन करती है कि वेदर कंपटीशन इशू, क्या इस मामले में कंपटीशन इशू इन्वॉल्व है क्या? ओके, अगर कंपटीशन लॉ से रिलेटेड केस ही नहीं है, सीसीआई बोलेगी काई को टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, मैटर क्लोज, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल सर जिंदाबाद, कुछ नहीं किया राहुल सर, मैटर क्लोज। तो अगर मेरे खिलाफ आप गए कमीशन में मैटर गया, सबसे पहले प्राथमिक जांच प्राइमा फेसी ये सीसीआई डिटरमाइन करेगी कि कोई केस भी बनता है या नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है मैटर क्लोज हो गया। लेकिन अगर वाकई में केस बन रहा होगा, अगर मैंने अपने इस दबदबे का गैर वाजिब फायदा उठाया होगा तो सीसीआई विल डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। सीसीआई डायरेक्टर जनरल को बोलेगी इन्वेस्टिगेट करो, पता करो, दया नहीं डीजी, पता करो कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल को इन्वेस्टिगेशन करने को बोलेगी और उसके बाद डायरेक्टर जनरल अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल जब भी अपनी देंगे तो डायरेक्टर जनरल जी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दो में से एक चीज बताएंगे, वो बोलेंगे या तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर डायरेक्टर जनरल ने बोला कि कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल सर की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर चीचा डायरेक्टर जनरल बोल दिया कि उल्लंघन हुआ है, इनफैक्ट देयर इज इंडीड अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, व्हाट एवर द केस में भी, डायरेक्टर जनरल ने अगर बोला कि 100% इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ निकली है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है कानून के प्रावधानों का, उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन अगर हुआ है तो डायरेक्टर जनरल अपनी पूरी रिपोर्ट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा और उसके बाद सीसीआई भी इसमें अपनी ओपिनियन बनाएगी, सीसीआई की जो बेंच है उस वो अपना ओपिनियन बनाएगी। और अगर सीसीआई को भी लगा हाँ हाँ कांड हुआ है, गड़बड़ हुई है, इंडीड देर इज अ प्रॉब्लम, तो क्या होगा भाइयों? ऐसे केस में सीसीआई जो है वो फर्दर इंक्वायरी करने को बोलेगी। अगर डीजी की रिपोर्ट में कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं था तो भी ऐसे मामले में भी मामला एकदम क्लोज नहीं होता है। इसमें आपको फिर से बता दूं, अगर डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट में निकल के आता है कि कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो सीसीआई जो है इन्फॉर्मेंट्स हैं जिन लोगों ने कंप्लेन की थी उन लोगों को बोलेगी और इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुमको कोई ऑब्जेक्शन है डीजी की रिपोर्ट में से? और वो ऑब्जेक्शन अगर कोई पार्टीज देगी, ऑब्जेक्शन अगर कोई पार्टीज अपना सबमिट करेगी तो फिर वापस से सीसीआई वो ऑब्जेक्शंस को स्टडी करके जांच करेगी, केस नहीं बनता होगा मैटर क्लोज, केस बनता होगा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी डायरेक्ट हो जाएगी। अभी क्या है क्लास, मैं आपको इसलिए बता रहा कि है तो ओपन बुक एग्जाम, लेकिन अगर आपको प्रोसीजर थोड़ा समझ गया तो आप सब चीज जो लिखी हुई है उसको पढ़ के जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे। अभी इसको खुद से पढ़ना बड़ा थोड़ा डाइसी काम है, समझ में ही नहीं आता।
ठीक है, अभी जैसे जो एयरलाइन वाली कंपनी का एक केस हुआ था, कार्टल का एक केस हुआ था, तो उसमें डायरेक्टर जनरल ने पहले क्लीन चिट दे दिया था, बट फिर वापस से इन्वेस्टिगेशन हुई तो सीसीआई ने निकाला, सीसीआई को प्रॉब्लम नजर आई, डीजी की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला था उसमें, बट बाद में जब सीसीआई ऑब्जेक्शंस मंगाई तो बराबर उसमें गलती निकली और 270 करोड़ का पेनल्टी हुआ। ठीक है, एक बार फिर से इसको बताता हूँ, आगे चलते हैं, बहुत सारा काम है हमको। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग काम करती है बेसिकली, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जिम्मेदारियां काम रोहित भाई अलग होता है। रॉकस्टार राजा से सर विल यू प्रोवाइड फॉर ऑल चैप्टर क्लासेस? ब्रदर बस मैं इतना बता रहा हूं कि आई हैव जस्ट ज्वाइंड, तो मेरी कोशिश है कि मैं मई वाले बच्चों का जितना मेरे में दम होगा मैं उतनी तबीयत से तुम्हारी कर दूंगा पूरी हेल्प, जहां जहां तुम्हें लग रहा होगा। लेकिन मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं फरवरी में आया हूं, मार्च हो गया है, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। जो आपकी प्लस बैचेस चल रही है आप उसमें से कवर कर सकते हैं, अभी लॉ की प्लस बैच चालू है तो प्लस बैचेस जो चल रही है आप वहां से करिए। रही बात 6D की, जितना मेरे में दम होगा, जितनी मेरे में खुबत होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मेयर अटेम्प्ट के लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करूं। ठीक है, मैं कमिट नहीं कर सकता बिकॉज टाइम बहुत कम है, बट हाँ जो प्रॉब्लम एरियाज है मैं आइडेंटिफाई करके उस पर ही काम कर रहा हूँ। मैं अभी मेरे को टीचिंग में 10, 11, 12 साल हो रहे हैं यार, मैं आजकल मैंने बताऊं दिखावे वाले काम करना, टाइम वेस्ट वाला काम करना बंद कर दिया है। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जहां प्रॉब्लम होगी उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करूंगा, बट मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा 6D के कंप्लीट पूरे चैप्टर्स का। मैं करने वाला हूं हेल्प बट मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं तो फिर वो फॉल्स होप हो जाएगा, आप मेरे पे रिलाय करने लग जाओगे, तो मैं वो नहीं चाह रहा हूं। एक बार इसको वापस से करेंगे। सेक्शन 3-4, हिंदुस्तान में सेक्शन 3 का उल्लंघन हुआ, मतलब हिंदुस्तान में किसी ने एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट किया, या सेक्शन 4 का उल्लंघन हुआ, मतलब किसी ने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया। इन दोनों ही मामलों में जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन मिलती है तो सीसीआई क्या करती है? सबसे पहले सीसीआई अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाती है। प्राइमा फेसी ओपिनियन का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पहली तो ये चेक करती है कि भैया कॉम्पिटिशन का मामला है या नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंज्यूमर रिलेटेड मामले, कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड मामले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मामले, वो कॉम्पिटिशन लॉ में लेके आते हैं। इसीलिए सीसीआई पहले प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाती है कि कंपटीशन का मामला है भी कि नहीं। अगर उनको लगा कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है कंपटीशन लॉ में, तो ही डायरेक्ट डायरेक्ट करेगी, डायरेक्टर जनरल को इन्वेस्टिगेशन करने बोलेगी। अगर लगा कि नहीं भैया कोई मामला ही नहीं है, तो मैटर को भग से क्लोज कर देगी। ओके, ठीक है, सही बताऊं सेक्शन 26(1) में, अबे अगर सीसीआई ने यह बोल दिया ना कि प्राइमा फेसी केस ही नहीं बनता है, अबे तो ये तो अपील भी नहीं कर सकते। अगर सीसीआई ने बोला ना प्राइमा फेसी केस ही नहीं बनता है, तो तुम लोग अपील भी नहीं कर सकते एनक्लैट में। ठीक है, अपीलेबल भी नहीं है ये बात, केस बन रहा है या नहीं बन रहा है कंप्लीटली ये सीसीआई डिटरमाइन करती है। वो आखिरी में जो फाइनल ऑर्डर निकलता है, जजमेंट निकलता है, वो अपील हो जाता है। प्राइमा फेसी केस है या नहीं, इसमें तो अपील भी नहीं होती। तो जैसे ही केस आया, सीसीआई अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाएगी, प्राथमिक जांच में यह पता करेगी कि क्या प्रतिस्पर्धा का मामला है या नहीं, कंपटीशन लॉ से रिलेटेड मामला है या नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट करेगी, डायरेक्टर जनरल अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाएगा। डायरेक्टर जनरल की जैसी रिपोर्ट बन गई, उसमें दो चीजें हो सकती है, अगर डीजी ने बोला कि कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ऐसे केस में कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया उन्हीं लोगों के पास जाएगी जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन फाइल की होगी, और उन लोगों को सीसीआई बोलेगी कि भैया तुम्हारे ऑब्जेक्शंस को हम इनवाइट करते हैं, अगर तुमको लगता है कि डीजी की रिपोर्ट फर्जी है तो तुम अपने ऑब्जेक्शंस इनवाइट करो। उसके बाद इन ऑब्जेक्शंस रिसीव करने के बाद भी अगर कोई केस नहीं बनता होगा, मैटर को क्लोज कर देंगे। अगर ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने के बाद केस बनेगा तो इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि कॉन्ट्रावेंशन डीजी की रिपोर्ट में निकल कर आया कि मामले में कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। सीसीआई अगर डीजी की व्यू से अग्री कर जाएगी, डायरेक्टर जनरल की ओपिनियन से अग्री कर जाएगी, तो सीसीआई फर्दर इंक्वायरी करने के लिए डायरेक्शन दे देगी। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस मित्रों। ओके, आयुष भाई सेज सर आप रेगुलर बैच नवंबर 22 के लिए कब से ले रहे हैं? 20 अप्रैल से शुरू हो रही है आयुष भाई, वी आर स्टार्टिंग इन अप्रैल, अप्रैल से शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट्स विल बी अनाउंस वेरी शून, शॉर्टली विल बी अनाउंसिंग इट, बट येस नवंबर बैच जो है, नवंबर के बच्चों के लिए अप्रैल में बैच आ रही है, तो वो प्लस बैचेस जो रहेगी उसमें क्या है, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, वो सबका मेरा एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे पता है कि नवंबर के लिए है, तो फॉर नवंबर आई हैव सेड येस। बिल्कुल, आई होप ये दोनों मामलों में आपको एक क्लैरिटी आ गई। ये दोनों मामलों में क्लैरिटी आपको देनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये दोनों मामलों में बच्चे शायद अकेले बैठते बहुत पागल होते, बहुत कंफ्यूज होते,
तो ये मामलों में मैंने आपको चीजें बता दी। अब मैं आपको और अजीबो गरीब आड़े तेड़े मामलों में लेके जा रहा हूं, ठीक है। आज का एजेंडा भी मैं आपके साथ स्पेसिफिकली लिख के शेयर कर देता हूं, लेकिन अभी मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से फैसले ले सकती है, ठीक है। इट्स अ वेरी प्रिसाइस पोर्शन, मैं बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चंस में आ रहा हूं, बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चंस है। और जब आज का सेशन एंड करूंगा तो हमने क्या क्या पढ़ा, कौन से पॉइंटर्स हमने पढ़े, वो मैं एक जगह पे समराइज कर दूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से ऑर्डर्स को पास कर सकती है, विच आर द ऑर्डर दैट सीसीआई कैन पास। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सेक्शन 3 के लिए और 4 के लिए। भाई मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूं, पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन से रिलेटेड 3 मामले हो सकते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट सेक्शन 3 में आता है, प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4 में आता है, कॉम्बिनेशन रेगुलेशंस सेक्शन 5 और 6 में आता है, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 3 और 4 से रिलेटेड कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है, विच आर द ऑर्डर्स दैट सीसीआई कैन पास। सेक्शन 3 सेक्शन 4 के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से ऑर्डर्स पास कर सकती है, ठीक है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड अगर कोई केसेस बनेंगे तो सीसीआई कौन से ऑर्डर्स को पास कर सकती है। फोकस करिए, हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट, फोकस करिए। आसान भाषा में लिखा हुआ है, फोकस करना है सिर्फ। सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन दे दूं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए सीसीआई कौन से ऑर्डर पास कर सकती है। ऑर्डर नंबर 1, सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। तो जो कंपनियां गलत गतिविधियां कर रही है, जो कंपनियां एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रही है, जो कंपनी अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रही है, उनको रोक सकती है। सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर मतलब जो आप प्रक्रिया जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसको रोकिए, आज के बाद करना बंद करिए। तो सबसे पहले सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय कमीशन। सेकेंड, सीसीआई कैन इंपोज पेनल्टी। कितनी पेनल्टी आगे वाली स्लाइड में, बट अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या क्या ऑर्डर सीसीआई पास कर सकती है, दैट इज द क्वेश्चन। विच ऑर्डर कैन बी पास बाय सीसीआई। नंबर 1, सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। नंबर 2, पेनल्टी लगा सकती है। नंबर 3, सीसीआई हिंदुस्तान में अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट एंटर हुए होंगे तो सीसीआई उनको मॉडिफाई करवा सकती है। हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी ने कोई भी अग्रीमेंट किया हो, दिग्गज से दिग्गज कंपनी ने कोई भी अग्रीमेंट किया होगा, उसको मॉडिफाई करवाने का पावर सीसीआई के पास है। फर्दर, सीसीआई बोल सकती है कि भैया कमीशन ने जो बोला कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ कमीशन। थैंक यू रिपब्लिक ब्रदर, मजा आती है ऐसे सुन के। रिपब्लिक भाई सेज योर टीचिंग इज हेल्पफुल झकास, बट प्लीज टेक क्लासेज ऑन फेमा एंड आईबीसी। मेरे भाई मैं फिर बोलता हूँ, मैं करूंगा आईबीसी पे भी फेमा पे भी, बट मैं बस इतना बोलता हूँ कि मे में अगर अटेम्प्ट है तो पूरी तरह मेरे पे मत रिलाय करना, ऑलरेडी अपनी पढ़ाई जारी रखना। मैं तो करूंगा सेशन, बट आप पूरी तरह मेरे पे रिलाय मत करना क्योंकि समय कम है, ठीक है। तो सीसीआई में डायरेक्ट एंटरप्राइजेस टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। तो सीसीआई बोलेगी कि भैया आप जो हमने ऑर्डर दिया है उससे कंप्लाई करो, तो सीसीआई अपने अपनी बात मनवाने के लिए भी बोल सकती है। लास्ट इज, ये खत्म ही हो गया, सीसीआई में पास एनी सच ऑर्डर, एनी का मतलब कोई भी ऑर्डर जो सीसीआई को सही लगेगा, खत्म, मामला ही खत्म, फिनिश। सीसीआई कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो सेक्शन 3 या 4 से रिलेटेड केसेस होंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या फैसले, क्या क्या कौन से टाइप के ऑर्डर पास कर सकती है, सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर, पेनल्टी लगा सकती है, एग्रीमेंट मॉडिफाई करने को बोल सकती है, सीसीआई के ऑर्डर कंप्लाई करने को बोल सकती है, और इसके अलावा कोई भी ऑर्डर जो सीसीआई को लगा वो फॉलो करने के लिए भी बोल सकती है। अब ये तो मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं,
सब गोल गोल घुमा हुआ है, पूरा मामला गोल गोल घुमा हुआ है ना? तो प्लीज मेरी बात को समझिएगा। सीसीआई मैक्सिमम पेनल्टी सिर्फ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के मामले में सीसीआई मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगा सकती है? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी? हु डिसाइड्स द पेनल्टी? क्वांटम ऑफ पेनल्टी कौन डिसाइड करता है? मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगाई जा सकती है? ये पेनल्टी कहां जाती है? लोग पेनल्टी भरते तो पेनल्टी जाती कहां है? ये सब चीज हम अभी बता रहे हैं, सुनिए। अब सेक्शन 3 और 4 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 3 और 4 की अगर मैं बात करूं, जनरल सेक्शन 3 सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं, तो पेनल्टी कितनी हो सकती है? पेनल्टी कुड बी नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रेलेवेंट टर्नओवर। अमेंडमेंट है भाइयों, पेनल्टी टर्नओवर पे नहीं लगती, केस बन सकता है इस पे, 6D में केस बन सकता है इस पे। सुनिए मेरी बात ध्यान से, पेनल्टी किस पे लगने वाली है? टर्नओवर पे नहीं, रेलेवेंट टर्नओवर पे। इसके ऊपर एक फैसला आया है, गंभीर फैसला आया है, वो बताता हूं मैं आपको। पेनल्टी कितनी लग सकती है? नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ एवरेज रेलेवेंट टर्नओवर। 10% ऑफ एवरेज रेलेवेंट टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स टू ईच पार्टी। इसका सिंपल मीनिंग, पहले मैं आपको यहां रेलेवेंट टर्नओवर शब्द के बारे में बता दूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए भाई, वरना ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी बातें लिखना भूल गए और गड़बड़ हो जाए। तो रेलेवेंट टर्नओवर का मीनिंग समझो। अब मान लो मैं हूं आईटीसी, मैं हूं इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी, इंडिया में कंपनी आईटीसी उसका नाम है, उसको ट्विटर में शेयर मार्केट में सब ट्रोल करते रहते हैं, आई होप आपको पता है। अब आईटीसी के बहुत सारे धंधे, एक है सुट्टे वाला धंधा, एक है कॉपी किताब वाला धंधा, एक है कपड़े वाला धंधा, एक है एफएमसीजी वाला धंधा। तो रेलेवेंट टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है, उसका ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मीनिंग समझा देता हूं। मान लो आईटीसी है, ठीक है, मान लो आईटीसी है, आईटीसी का एक है एफएमसीजी का बिजनेस, एक है सिगरेट्स वाला बिजनेस और एक है पेपर वाला बिजनेस, ठीक है। अब एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस में है, तो अगर आईटीसी ने कांड मेरे कहने का मतलब उल्लंघन, आईटीसी ने अगर कांड एफएमसीजी वाले धंधे में किया, तो सिर्फ एफएमसीजी वाले बिजनेस का टर्नओवर ही देखा जाएगा। और इस टर्नओवर को क्या बोलते हैं भाइयों? सिर्फ इस धंधे के टर्नओवर पे पेनल्टी लगेगी। जो धंधे में कांड किया, जो पर्टिकुलर बिजनेस में तुमने कंपटीशन लॉ का उल्लंघन किया, उस पर्टिकुलर बिजनेस के टर्नओवर पे ही पेनल्टी लगती है। पहले टर्नओवर पे लगा करती थी, अब रेलेवेंट टर्नओवर पे लगती है। तो मेरे भाइयों, रेलेवेंट टर्नओवर का मतलब समझ गया होगा आपको, जिस धंधे में एक कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, एक कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, जिस बिजनेस में उन्होंने कंपटीशन लॉ का उल्लंघन किया होगा, उस पर्टिकुलर बिजनेस के टर्नओवर पे फाइन लगता है। ईशान लालवानी, आपकी शादी हुई है क्या? अरे इतने सारे चैट कब आ गए, सॉरी गाइस। वाइंडिंग अप भी देख लीजिएगा, करते हैं भाइयों, अभी तो इस पर फोकस करिए, अभी तो इस पे फोकस करिए। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, सेक्शन 3 और 4 के जो मामले हैं उसमें पेनल्टी तो लगती है। कितनी लगती है? 10% ऑफ एवरेज रेलेवेंट टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल इयर्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेलेवेंट टर्नओवर की, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंट टर्नओवर, नॉट द टर्नओवर। व्हाट इज रेलेवेंट टर्नओवर? जो बिजनेस में मैंने कांड किया होगा, जो बिजनेस में कॉन्ट्रावेंशन किया होगा, उस पर्टिक्यूलर बिजनेस के टर्नओवर के बेसिस पे फाइन लगेगा। नाउ दिस स्मॉल इंफॉर्मेशन कैन गिव यू 5 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है?
पांच नंबर मिल सकते हैं, सिर्फ रेलेवेंट टर्नओवर शब्द याद करना, दूसरी जगह पर भी रेलेवेंट टर्नओवर ही यूज होने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। नाउ फोकस, तो नॉर्मल कोर्स सेक्शन 3 और 4 पेनल्टी मैक्सिमम क्वांटम कितना लग सकता है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज रेलेवेंट टर्नओवर का 10%। लेकिन अगर मामला सेक्शन 3(3) से रिलेटेड है, लेकिन अगर मामला सेक्शन 3(3) से रिलेटेड है, दैट इज कार्टल से रिलेटेड है, बिड रिगिंग से रिलेटेड है, अगर मामला कार्टल से रिलेटेड है, बिड रिगिंग से रिलेटेड है, सेक्शन 3(3) से रिलेटेड है, ऐसे केसेस में ये 10% वाली तो है ही है, लेकिन कमीशन के पास पावर है कि आपको दूसरी तरीके से भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। वो दूसरा तरीका क्या है? पेनल्टी कैन बी अप टू 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड इन ईच ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। समझिए, अगर आपने 3 साल लगातार उल्लंघन किया है, 3 कंटिन्यूअस ईयर्स अगर आपने उल्लंघन किया है, तो वो एक एक साल जिसमें आपको मुनाफा हुआ था उसका 3 गुना, एक एक साल के मुनाफे का 3 गुना, मतलब 10 साल अगर आपने कांड किया है तो टोटल मिला के 10 साल का प्रॉफिट इनटू 3 टाइम्स तक पेनल्टी हो सकती है। सेक्शन 3(3) के मामलों को बहुत ही ग्रेव, बहुत ही सीरियस माना जाता है, उसको हम बहुत ही हीनियस क्राइम मानते हैं इंडिया में, हम मानते हैं कि वो बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो सेक्शन 3(3) की अगर हम बातें करें, सेक्शन 3(3) से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो पेनल्टी 10% ऑफ रेलेवेंट टर्नओवर, पिछले 3 साल के एवरेज का रेलेवेंट टर्नओवर का 10% तो हो ही सकती है। या तो सीसीआई के पावर्स हैं, सीसीआई चाहे तो आपको इन दोनों में से कोई एक पेनल्टी लगा सकती है, तो इट कुड बी या ये। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड इन ईच ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अबे एक एक साल के प्रॉफिट का 3% लग सकता है, 3 गुना लग सकता है। 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में ये हो सकता है, ठीक है? सो दिस कुड बी 5 मार्क क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुडे, दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर सच दैट यू नो मे बी यू विल मिस आउट ऑन दिस। जब आप इंडिविजुअली बैठ के अकेले पढ़ोगे ना, मे बी आप छोटी छोटी चीजें मिस आउट कर जाओगे। दैट इज द एजेंडा, यही इंटेंशन है कि छोटी छोटी जो चीजें आप मिस आउट कर जाओ वो मैं सेशन में कवर कर दूं। बिकॉज अगर ये रेगुलर बैच होती तब तो हम मनमाना एक पूरा एक हफ्ता लगातार रोज मिलते खत्म कर देते, है ना? अब चक्कर क्या है, हम लोग यूट्यूब पे मिल रहे हैं, रिविजन चल रहा है, तो आपको थोड़ा कम टाइम में चाहिए, इसलिए समय बचाने में थोड़ा कोशिश चल रहा है। चलिए, सो भाइयों, पेनल्टी जो है सेक्शन 3 और 4 से रिलेटेड बताया, ऑर्डर जो भी मैंने बताया वो सेक्शन 3 और 4 से रिलेटेड बताया, ठीक है? भूलिएगा मत इसको। तो जो बच्चे और एडिशनल जानकारी जानना चाहते हैं, जिनको और इसके बारे में डिटेल चाहिए, मैं उनको ये भी बता देता हूं कि आपको टर्नओवर नहीं, रेलेवेंट टर्नओवर पे ध्यान देना है। रेलेवेंट टर्नओवर पे पेनल्टी लगती है, टर्नओवर पे नहीं लगती, ठीक है? चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओ नो, वेरी 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 रेलेवेंट, हम सबके लिए एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है। सर सुनो, सीसीए ने ऑर्डर पास किया, सीसीए ने पेनल्टी लगाई, अगर कोई पेनल्टी का पैसा ना दे तो सीसीए क्या करेगी, पेनल्टी कैसे वसूल करेगी? ठीक है, तो सीसीए पैसा कैसे वसूल करेगी, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। मैंने यहां लिखा तो नहीं है, हालांकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक जबरदस्त तरीके का आंसर बता देता हूं। ये देखिए, इस तरह से नोट बने हुए हैं कि आपको कौन सी सेक्शंस कैसे पढ़ने हैं, तो वो सब बढ़िया सेक्सी तरीके से बनाया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, जो बहुत काम की चीज है और ये बच्चा मिस आउट करेगा। आइए, मेरी बात पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था और इतना लेंदी लिखने का सेंस नहीं बन रहा था, वो तो नोट्स में रहेगा आपके। अब
एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लीजिए सीसीआई ने लगा दी पेनल्टी, 10,000 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, लेकिन अगर कोई कंपनी पैसा नहीं भर रही, सीसीआई को पेनल्टी जो भरनी चाहिए वो पेनल्टी अगर नहीं भरती है, तो ऐसे केस में पेनल्टी अगर कोई नहीं भरेगा तो सीसीआई कैसे वसूलेगी? दो बातें, दोनों एकदम ध्यान से सुनना। नंबर वन, सीसीआई खुद, सीसीआई के पास पावर है कि पेनल्टी कैसे वसूल करना है। सीसीआई खुद का प्रोसीजर बना सकती है। क्लियर? कैसे पैसे वसूलना है, सीसीआई खुद से अपना ही प्रोसीजर बना सकती है, पहली बात। दूसरी, अगर सीसीआई पेनल्टी वसूलने का खुद का प्रोसीजर नहीं बनाती है, अगर सीसीआई पेनल्टी वसूलने का खुद का प्रोसीजर नहीं बनाती है, ऐसे केस में मेरे भाइयों, बड़ी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे केस में जिस तरह इनकम टैक्स पे नहीं करने वाले के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर बिहेव करता है, सीसीआई वही बोल सकती है। तो अगर सीसीआई ने पेनल्टी वसूलने का खुद का प्रोसीजर बनाया तो ठीक है, नहीं तो सीसीआई सीधे कमिश्नर इनकम टैक्स में जो ऑफिसर्स होते हैं, सीधे उनको बोल सकती है कि ये कंपनी हमारा पैसा नहीं दे रही है, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में जिस तरह टैक्स वसूल करता है, टैक्स वसूलने के लिए जिस तरह हम किसी को असेसी मान लेते हैं, और असेसी अगर इनकम टैक्स नहीं पे करता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के तहत सेक्शन 38 है या क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन, हम बिल्कुल वो ही इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, जिस तरह इनकम टैक्स कोई पे नहीं करता है तो हम उसके साथ बर्ताव करते हैं, उसके अकाउंट्स फ्रीज कर देना एक्सेट्रा, वो सारे काम किए जाएंगे। इसका आंसर दो लाइनों में सिंपल बोल के खत्म करता हूं, या तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया खुद का प्रोसीजर बनाएगी और इनकम टैक्स वसूलेगी, और या पेनल्टी वसूलेगी। अगर सीसीआई खुद का प्रोसीजर नहीं बनाती तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बोल सकती है, और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स पेनल्टी बिल्कुल उसी तरह वसूलेंगे जिस तरह हिंदुस्तान में इनकम टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, यस सर, जिंदाबाद इनकम टैक्स के लिए। ऋषभ भाई सेज, सर इफ यू टीच डेली देन यू विल हैव मोनोपोली इन सीए फाइनल एंड नोबडी विल बी एबल टू कम्पीट यू। ऋषभ भाई, मेरा भाई जैसा कोई हार्ड इश्यू नहीं है। थैंक यू ब्रदर, आई टेक इट विथ ऑल माई हार्ट, हमली, वेरी 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 हम्बल्ड बाई दिस। बट सच बताऊं तो पहले काम करते हैं, पहले मेहनत करते हैं। लेट मी टेक वन बैच पोटेंशियल, आई एम सेइंग, यू नो इट्स अ कंटेस्टेबल मार्केट, अगर हमने टाइम दिया सही जैसा आप बोल रहे हो, रोज अगर लाइव आके मैंने पढ़ा दिया तो मे बी, तो एमिन, दैट इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू ब्रदर फॉर द कमेंट, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। तो थैंक यू ऋषभ भाई, मे यू क्लियर योर ऑल एग्जाम्स इन वन अटेम्प्ट। चलिए, तो ये हो गए आड़े टेढ़े क्वेश्चन। तो अगर ऐसे सवाल आ गए कि भाई कौन से ऑर्डर पास हो सकते हैं, पेनल्टी कितनी लग सकती है, पैसा कैसा वसूला जाएगा, तो उसके आंसर्स क्या होंगे मैंने आपको वो बता दिए। अब मैं आपको और आड़े टेढ़े चीज दिखाता हूं, जो आड़ी टेढ़ी चीजें है ना, जो छुपी छुपी हुई है, जिसको खुद से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो बता देता हूं। आइए, नाउ व्हाट इज कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, सेक्शन 49 कॉम्पिटिशन एक्ट, व्हाट इज कॉम्पिटिशन एडवोकेसी। अब यार बहुत सिंपल मामला है, अब जिसको कॉम्पिटिशन लॉ बहुत ज्यादा नहीं समझा होता एक्चुअली, उनके लिए ना ये एकदम याद करने वाली चीज हो जाती है, वो बोलते हैं सर समझ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो मैं आपको इसको एकदम सिंपल करके बता देता हूं, सुनिए। हिंदुस्तान में भारत सरकार को और हिंदुस्तान की राज्य सरकारों को कई बार नियम बनाने होते हैं, कानून बनाने होते हैं। अब नियम बनाते वक्त, कानून बनाते वक्त भारत हिंदुस्तानी सरकार को या राज्य सरकारों को कभी कभी कंपटीशन से रिलेटेड मामलों में, कंपटीशन से रिलेटेड मामलों में असिस्टेंस चाहिए होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना रही थी
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सरकार आई कि हम इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बना रहे हैं, बताइए हमें किस तरह से कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना चाहिए ताकि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट हिंदुस्तान में ज्यादा इन्फोर्स हो पाए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने छक्का मार दिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला, देखो इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए आप ICAI, ICSI, ICMAI, ICAWAI और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी लड़ाई करवा दो। लड़ाई करवा दो मतलब है कंपटीशन करवा दो। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट में प्रावधान क्या बने कि भाई रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन बन सकता है? सीए भी बन सकता है, सीएस भी बन सकता है, सीएमए भी बन सकता है। तो सबकी कंपटीशन करवा दी। भाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन बन सकता है? सीए भी बन सकता है, सीएस भी बन सकता है, सीएमए भी बन सकता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी राय दी कि भाई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी एक्ट में क्या करो, आप सभी प्रोफेशनल्स को इजाजत दे दो इंसॉल्वेंसी कानून में प्रोफेशनल बनने की। उससे क्या होगा, सभी प्रोफेशनल्स अपने अपने आप को इक्विप करेंगे बेहतर तरीके से इंसॉल्वेंसी कानून में। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दोनों बेहतरीन संस्थाएं, दोनों बहुत ही जबरदस्त बॉडीज हैं। वो दोनों अपने आप को इक्विप करेगी क्योंकि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने प्रोफेशनल्स को इक्विप करना है। तो देखा आपने क्या हुआ, ICAI ने भी अपनी एक वैल्यूएशन, एक सब्सिडरी बनाकर वैल्यूएशन करवाने के लिए, कोर्सेज करवाने के लिए एक पूरी सब्सिडरी खोल दी। ICSI ने भी वही किया। तो कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके कोई कानून की इन्फोर्समेंट को बेहतर किया जा सकता है। भारत सरकार रेलवे प्रोक्योरमेंट कानून बना रही थी, तो भारत सरकार जब रेलवे प्रोक्योरमेंट कानून बना रही थी तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन ली। सेक्शन 49 में क्या लिखा है, स्ट्रेट जैकेटेड आंसर देता हूं। सेक्शन 49 में लिखा है कि भाई इंडिया में भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, जब भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई ओपिनियन लग रहा होगा, उनकी राय लग रही होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को या वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलेंगे भाई अपनी रिपोर्ट तैयार करके दो। सीसीआई को अगर उनने रिपोर्ट तैयार करने का बोला तो सीसीआई की जिम्मेदारी है कि 60 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके देना पड़ेगा। लेकिन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका रोल एडवाइजरी नेचर का है, बाइंडिंग नहीं है। सरकारों पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी एडवाइस होगी, रिकमेंडेशन होगी, रिपोर्ट होगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी, एडवाइजरी होगी। इसके साथ ही साथ कंपटीशन एडवोकेसी में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश भर में कंपटीशन को लेकर प्रमोशन करना जरूरी है। कंपटीशन के फिनोमिनन के बारे में हिंदुस्तान में उतनी जागरूकता नहीं है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को अगर पता होता, अब एक बात बताओ, कोल इंडिया लिमिटेड में क्या प्रोफेशनल्स नहीं होंगे क्या? कोल इंडिया लिमिटेड में कम प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं क्या? आपको नहीं लगता साला मिनी नवरत्न कंपनी है, साला 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ी कंपनी है, साला सरकारी कंपनी है, 70% से ज्यादा कोयला बनाती है इंडिया में, साला थर्मल पावर प्लांट उनके बिना चल नहीं सकते। आपको नहीं लगता कि कोल इंडिया लिमिटेड को भी मालूम होगा, जानकारी होगी कानून के बारे में? अगर थी जानकारी तो फिर काय को उल्लंघन किया? तो प्रॉब्लम ये है, अभी पूरी तरह से लोग कंपटीशन के फिनोमिनन को, कंपटीशन कानून को नहीं समझते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 49 के तहत हिंदुस्तान में कंपटीशन लॉ को प्रमोट करने का काम कर सकती है, कंपटीशन को, कंपटीशन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है और लोगों को ट्रेनिंग दे सकती है। ठीक है, मैं खुद जो रिसोर्स पर्सन इंपैनल था कमीशन के साथ, वो इसी सेक्शन के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिए थे। तो महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में मैं रिसोर्स पर्सन था और मेरा काम था कि स्टेक होल्डर के साथ इंगेज होना, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बताना, जो एसोसिएशंस होते हैं उनको जाकर बताना ये सब। ठीक है, तो सेक्शन 49 कॉम्पिटिशन एडवोकेसी को लेकर था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जब भी राय की जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब भी कंपटीशन लॉ, कंपटीशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रही होगी, तो वो सीसीआई की राय मांग सकती है। सीसीआई अपनी राय 60 दिनों के अंदर देगी। ये जो राय है ये बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। एक और बढ़िया मामला जो बच्चा जिसमें फंस सकता है वो ये है। आइए फोकस फोकस मित्रों, फोकस 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 फोकस। महीने में जो दिन होते हैं या जो तारीखें होती है वो होती है 31, कोई भी महीने में मैक्सिमम 31 तारीख होती है। सेक्शन 32 जो है, अभी हिंदुस्तान के बाहर मामला निकल गया, क्या हिंदुस्तान के बाहर वाली पार्टीज, हिंदुस्तान के बाहर वाली कंपनीज, एंटरप्राइजेस के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है क्या? सेक्शन 32 याद करना है अगर आपको, तो
तो सेक्शन 32 इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन. सादे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इंजॉयज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन. अगर कल को यूएस में बैठ के फेसबुक मनमानी करेगा, यूरोप में बैठ के कोई कंपनी मनमानी करेगी या गूगल मनमानी करेगा, तो इंडिया के बाहर वाली दिग्गज एंटिटीयां हैं, इंडिया के बाहर वाली कोई पार्टीज आपस में कोई गलत गतिविधि कर रही है जिसका दुष्प्रभाव हिंदुस्तान की प्रतिस्पर्धा पर पड़ रहा है. अगर इंडिया के बाहर वाली भी कोई पार्टीज कॉम्पिटिशन कानून का उल्लंघन करती है और इंडिया में कॉम्पिटिशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ऐसे केस में सीसीआई के पास पावर्स है कि वो इंडिया के बाहर वाली पार्टीज पर भी एक्शन ले सकती है. सीसीआई हैव पावर्स टू इंक्वायर अग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन इफ इट हैज और इट इज लाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया इन रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया एंड सीसीआई मे पास ऑर्डर्स एज इट डीम्स फिट. इवन इफ सच अग्रीमेंट कॉम्बिनेशन और एंटरप्राइज अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजिशन इज आउटसाइड इंडिया और एनी सिंगल पार्टी टू द अग्रीमेंट इज आउटसाइड इंडिया. सिंपल कहना सुखी रहना. क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास पावर है कि इंडिया के बाहर वाली पार्टीज को भी पेनल्टी लगा सके, इंडिया के बाहर वाली पार्टीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सके? हाँ है, अगर उनके किए गए दुष्कर्म नहीं बोलेंगे, उनके किए गए एक्ट की वजह से इंडिया में कॉम्पिटिशन हैम्पर होती है, सीसीआई इंडिया के बाहर वाली पार्टीज के ऊपर भी एक्शन ले सकती है. बात खत्म. जय माता दी. दैट्स रॉक. ये एक और क्वेश्चन था जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को आपको बता देना चाहिए. इसके अलावा मित्रों आप लोगों के लिए कुछ स्कोप है जो मैं आपको बता देता हूं. तो आपको कॉम्पिटिशन एडवोकेसी समझ चुकी है, नहीं समझिए तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है. कॉम्पिटिशन एडवोकेसी सेक्शन 49 रिपीट कर देता हूं. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन चाहिए होगी, रिपोर्ट चाहिए होगी. वो लोग सीसीआई को बोलेंगे, सीसीआई 60 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके देगी. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप में से जो भी लोगों को लगता है कि हमें कॉम्पिटिशन लॉ समझ गया है प्लस वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस तगड़ा है, हमको बैलेंस शीट तगड़ा समझ में आती है, हम लोगों को रिसर्च करना आता है, तो मैं आप लोगों के लिए खास बात बता दूं. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कौन कौन अपियर कर सकता? ऑफकोर्स कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्राइज खुद से, डायरेक्टर जनरल, और वो खुद भी हो सकते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस कर रहा हो, सीए जो प्रैक्टिस कर रहा हो, सीएमए जो प्रैक्टिस कर रहा हो, और जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है मतलब जो एडवोकेट्स है, वो लोग सब सीसीआई के सामने अपियर कर सकते हैं. मैं फिर से बोलूं, जो मेरे भाई नॉर्थ इंडिया साइड बैठे हुए हैं, अरे मौका मिला तो इंटर्नशिप जरूर करना. सीए फाइनल में जितने बच्चे हैं, मे अटेम्प्ट के बाद सीसीआई में इंटर्नशिप होती है. ऑफलाइन इंटर्नशिप में 15,000 स्टाइपेंड भी मिलता है. एक महीना करके देखना, क्या पता यू नेवर नो कुछ हो जाए. चलिए, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर. लेट मी जस्ट सी वेदर एनी अदर मैटर इज देयर जो मुझे अभी के अभी बताना है, वरना तो मैं 2 मिनट मॉड्यूल में जाऊंगा और वी विल रैप द सेशन. हाँ, अरे रे 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 रे, बहुत ही खतरनाक एक मामला बचा हुआ. चैट, आर यू गाइस देयर? भाई लोग कौन कौन बैठे हुए हो बताओ तो सही, कौन कौन बैठा हुआ ये तो बता दो. ओ भाइयों, यस गाइस, चैट, आर यू वॉचिंग द वीडियोस? आर यू देयर इन द वीडियोस? ओके, चलिए 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 भाइयों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता देता हूं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में केस लॉ आता है. तो यार, आप अगर नोटिस करोगे ना ध्यान से, तो बार 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 बार, चलिए सब लोग हैं, बैठे हुए हैं, बस 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 मुझे देखना था कि तुम लोग बैठे हो लाइक नहीं. यार क्या होता है, बार बार कॉम्पिटिशन लॉ में ना, एंटरप्राइज ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज की तो ऐसा हो जाएगा, एंटरप्राइज ने कॉम्बिनेशन में एंटर किया तो ऐसा हो जाएगा, एंटरप्राइज, क्योंकि कंपनी वर्ड यूज नहीं होता, फर्म वर्ड यूज नहीं होता, एंटिटी वर्ड यूज नहीं होता. कॉम्पिटिशन लॉ में, बेयर एक्ट में अगर आप जाओगे तो आप नोटिस करोगे सिर्फ एंटरप्राइज, बार बार एंटरप्राइज यही वर्ड यूज होता है. तो अगर बार बार एंटरप्राइज वर्ड ही यूज हो रहा है, तो एंटरप्राइज वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है. और सिर्फ समझना जरूर नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे रिलेटेड सारी बातें हमको पता होनी चाहिए. चलिए, अब डेफिनेशन में जो लिखा है, अब मैं पूरी रीड करूंगा. अगर मेरे को सही में डेफिनेशन पढ़ानी हो तो 2.5 घंटे लगते, 5 मिनट में करना है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है जो चीज इंपॉर्टेंट है. एंटरप्राइज मीन्स एनी पर्सन,
और अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी तो हो ही सकती है, कोई भी पर्सन या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एनी पर्सन और एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच इज इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी। तो ये बार 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 क्या हो रहा है, हमने ये भी नहीं बोला बाय करते हैं सेल करते हैं, हमने बोला भाई तुम किसी भी तरह से इंगेज्ड हो क्या ऐसी कोई भी एक्टिविटी में, विच इज व्हाट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्विजिशन कंट्रोल ऑफ गुड्स सर्विसेस। ऐसे कोई भी, ऐसा कोई भी पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो ऐसी एक्टिविटी में इंगेज है विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्विजिशन कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी काइंड, या तो डायरेक्टली या तो ऐसी कंपनियों के शेयर वगैरह खरीद के रखे हैं जो ये काम करती है। साफ कहना खुश रहना, भाई ऐसा है हिंदुस्तान में हर एंटिटी एंटरप्राइज मानी जा सकती है, ठीक है। थैंक यू शिवानी जी, शिवानी सेज यू टीच इन सच अ मैनर दैट आधा लेक्चर छोड़ के जा भी नहीं सकते। थैंक यू गाइस, थैंक यू। कमिंग बैक, एंटरप्राइज कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटिंग टू सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एटॉमिक एनर्जी डिफेंस स्पेस करेंसी एक्सेट्रा। अगर सरकार की कोई ऐसी एक्टिविटी है जो देश की एक सॉवरेन फंक्शन है, जो सॉवरेन फंक्शन है गवर्नमेंट के, उन एक्टिविटीज करने वाले डिपार्टमेंट्स को, उन गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को हम एंटरप्राइज नहीं मानते। जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई काम है तो सरकार उसमें अपना थोड़ा मनमानी कर सकती है क्योंकि देश का सिक्योरिटी का मामला है। एटॉमिक पावर स्पेस से रिलेटेड कोई मामला हो, भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट अगर कोई अपना मनमानी कर रहा है कर सकता है, हमारे इंटीग्रिटी देश की इंटीग्रिटी और डिफेंस का मामला है। अब ऐसा ही क्या हुआ, ऐसा ही हिंदुस्तान के एक किसान ने कुछ मामले दर्ज किए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के खिलाफ। अब इसमें क्या हुआ, वो पॉपी सीड्स होते हैं ना, खसखस होती है ना खसखस, जिसका स्वीट डिश भी बनता है इंडिया में। एक बार क्या हुआ, एक किसान बोला कि ये नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स वाले, ये खसखस जो होती है ना पॉपी सीड्स, ये पॉपी सीड्स के मामले में ना अपना मनमानी रूल बना देते हैं, तो भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होता है। अब मैं आपको पूरी डिटेल्स में नहीं ले जाता क्योंकि आपके लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है। एक हालांकि इस पे केस लॉ पूछा हुआ है, मैंने एग्जाम के पेपर देख रहा था तो उसमें मेरे को एक केस लॉ भी दिखा, बट मैं आपको इतना बता देता हूं कि भाई हिंदुस्तान में जो नारकोटिक ब्यूरो है या जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, अभी फंडामेंटली ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं कि देश में नशे का कारोबार ना हो। देश में ये जो नशे से रिलेटेड पदार्थ है, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत बहुत सारे पदार्थों को नशे से रिलेटेड पदार्थ माना जाता है, जैसे कि खसखस पॉपी सीड्स या फिर अफीम चरस गांजा अफीम। अब होता क्या है, ये जो नशे वाली चीजें होती है, ये नशे वाली चीजों का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में होता है, दवाइयों में होता है, क्योंकि पेन किलर में थोड़ा तो मिलाना ही पड़ता है नशा। अब अगर पेन किलर वगैरह में मिलाना पड़ता है, दवाइयों में मिलाना पड़ता है, तो उसको बड़ा रेगुलेट किया जाता है और उसके लिए ही ये सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि देश में नशे का कारोबार ना हो, ड्रग्स से रिलेटेड तस्करी ना हो, हिंदुस्तान के युवा के खून में नशा ना दौड़े, लोग चरसी गंजेड़ी ना बन जाएं, इसीलिए ये दोनों डिपार्टमेंट सरकार के बनाए गए हैं। तो जब एक किसान ने इनके ऊपर, इनसे रिलेटेड मामले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने नोट इंफॉर्मेशन डाली, काफी पुराना केस है, तो उसमें सीसीआई ने हेल्ड किया कि ये हिंदुस्तान में ड्रग्स की तस्करी को रोकना ये सरकार का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सॉवरेन फंक्शन है, तो इन्हें एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा।
अगर कोई भी केस आया एग्जाम में जहां आपको लगा कि क्वेश्चन पेपर में यह पूछा गया है कि वेदर अ पर्टिकुलर एंटिटी इज एंटरप्राइज और नॉट, आपको चार, एक तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन आपके सामने होगी ना, किताब में लिखा होगा, आपको वो डेफिनेशन पेल लेनी है और नीचे कंक्लूजन में लिखना है कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी जो गवर्नमेंट का सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए होता है उसे एंटरप्राइज नहीं माना जा सकता। अगर आपको याद रह गया तो कोट कर देना, इन वन ऑफ द केसेस ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो आर नॉट एंटरप्राइजेस। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। अब ये वही है, छुपी छुपी चीजें हैं, खुद बैठ के पढ़ोगे दिमाग सड़ जाएगा। अब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को बहुत तगड़े तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, इसीलिए सिर्फ धंधा करने वाली एंटिटी नहीं, उससे जुड़ी हर कंपनी, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो रिलेटिंग टू, सिर्फ धंधा करने वाली एंटिटी जो बाइंग सेलिंग करती है, सिर्फ वो एंटिटी नहीं बल्कि उससे जुड़ी कितनी भी कोई भी एंटिटी है, रिलेटिंग टू ये शब्द के कारण सारी एंटिटीज जो इन इन सब से, इन सब कामों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, धंधे में नहीं इन्वॉल्व तब भी चल जाएगा, कोई भी एंटरप्राइजेस अगर दे आर इन्वॉल्व इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू ऑल दिस दे विल बी कंसिडर्ड एज एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस हम एसोसिएशन को भी मान सकते हैं, हिंदुस्तान में कई सारे नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन बनते हैं जो कि कोई ना कोई इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनते हैं, उनको भी एंटरप्राइज माना जाएगा, सिर्फ जो सरकारी एक्टिविटी है जो सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज करती है उसको नहीं मानते। चलिए, आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी 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 क्लियर। क्या मुझे आपको और कुछ बताना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी नहीं बताया तो आप कर नहीं पाओगे? ये तो क्या है, चेयरपर्सन कौन बनेगा, चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमिटी क्या होगी, इसमें मैं ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं ना मैं मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता हूं। तो चेयरमैन कौन बनता है, उसकी सिलेक्शन कमिटी में कौन लोग होते हैं, ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग एक बार एक झलक में आप समझ जाएंगे। तो इस चीज में मैं जो प्योरली रीड करके बच्चा पढ़ लेगा मैं उसमें आपका समय नहीं जाया करूंगा, मैं आपको वो चीज बताता हूं जो पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, दो चार सेक्शंस इन्वॉल्व है, हालांकि नोट्स में लिखा हुआ है फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्यों लिखा है, स्पेशल क्लास में भी मैं नोट्स खोल के रखूंगा, आपको जो डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्या होता है क्लास, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, सेक्शन 19(4), सेक्शन 24, इनकी रेलेवेंस क्या है। सो सेक्शन 4 जो है उससे कनेक्टेड है 19(4). 19(4) में लिखा हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एंटिटी को डोमिनेंट कब मानती है, क्यों मानती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एंटिटी को डोमिनेंट मानने के लिए कुछ फैक्टर्स को इवैल्यूएट करती है, वो फैक्टर्स कौन से हैं, 19(4) में लिखा है, कोई एंटिटी डोमिनेंट है या नहीं उसे डिटरमाइन करती है सीसीआई। सीसीआई किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करती है, 19(4) में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 19(4) को कैसे यूज करना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है ना, हमको सिर्फ क्या समझना है कौन से सेक्शन को कैसे यूज करना है। सेक्शन 4 19(4) याद कर लीजिए। सेक्शन 5 और 6 जो है वो कॉम्बिनेशन रेगुलेशन से रिलेटेड है, कोई भी कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं उसको कैसे चेक करती है सीसीआई, सेक्शन 24 के प्रावधानों को देखकर करती है। तो बस आज रात को मेरा फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा, वो ड्राफ्ट मैं आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि एग्जामिनेशन में एक चैप्टर जो 18-20 नंबर का होने वाला है उसको कैसे पेलना है हमको, ठीक है। हो गाइज दिस इज वेरी 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 क्लियर। चलिए, काफी हम लोगों ने डिटेल्स कर ली, काफी सारी चीजें हमने डिटेल डिटेल में देख ली हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि और कोई ऐसा मामला है क्या जो मैं आपको अब भी नहीं बताऊंगा तो कांड हो जाएगा, वो चेक कर लेता हूं, अगर ऐसा कोई मामला नहीं होगा तो वी विल रैप द सेशन, क्योंकि ऐसे तो मेरे को अगर आप कंटिन्यूस करने को बोलोगे तो मैं 10 घंटा पढ़ा सकता हूँ और 10 घंटे में हर हर घंटे में नई बात बता सकता हूँ, हालांकि वो करना ठीक नहीं होगा। तो आइए क्लास, अब मैं आपको आपके नोट्स, आपके आईसीआई के मॉड्यूल के भी कुछ चीजें बता देता हूँ, ये सब वही लिखा हुआ है, 32 जो मैंने आपको बता दिया, घुमा घुमा के सारी चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हुई है।
सीमेंट केस दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। हाँ एक चीज मेरे को आपको बतानी है, आइए 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 आइए, फोकस करिए। एक मामला है जो मुझे आपको बताना बाकी है। एनक्लैड वनक्लैड ये सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मेरे को लगता है अभी एक मामला और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ और श्रेया से, श्रेया का और हितेश्वर भाई का क्वेश्चन आ रहा है। श्रेया से, सर सीसीआई रेगुलेशंस गिवन इन स्टडी मैट आर टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट। श्रेया आपको जो जो मैंने बताया ना वो बहुत ही ज्यादा अति टेक्निकल था, इसके अलावा ट्रस्ट मी यू वोंट फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट। एंड इन केस यू फाइंड एनीथिंग विच इज डिफिकल्ट, एक पूरा कॉम्पिटिशन लॉ पे स्पेशल क्लास में अनाउंस किया हूं। स्पेशल क्लास में जितने डाउट होंगे, जिस जो जो टॉपिक पे एक भी वर्ड पे डाउट आएगा, तो आप बस अपने पास नोट कर लो कौन से डाउट्स है, सो दैट यू कैन आस्क मी दोज डाउट्स इन द स्पेशल क्लासेस। आई विल बी एड्रेसिंग दोज डाउट्स। बट कोशिश यही है कि ये 20 नंबर का 18 नंबर का चैप्टर ये खत्म कर दिया जाए पूरा। आइए क्लास में आपके साथ दो तीन इंपॉर्टेंट और बातें शेयर कर देता हूं, एंड देन प्रोबेबली वी कैन रैप द सेशन। ओके दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अलाउ मी। यस सो फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन विथ यू। देखो क्लास आपके पास, मैं आपको कुछ नोट्स आपको दूंगा, उनमें मैंने मेरी तरफ से कोई कोई चीजें मार्क करके रखी हुई है। आपको आपके मॉड्यूल के हिसाब से मैं पेज नंबर भी उसमें डाल के दूंगा, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो वेट फॉर दैट। एट दिस मोमेंट अलाउ मी टू शेयर विथ यू द क्वेश्चंस विच आई डीम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट मी शेयर विथ यू द क्वेश्चंस। फोकस। आइए भाई लोग, क्या मजे ले रहे हो तुम लोग। अबे फोकस करो भाई, तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम तुम्हारी टेंशन मेरे को आ रहा है। आ जाओ अभी भाई, तुम बनोगे सीएफओ, तुम बनोगे कंपनी में सीनियर प्रोफेशनल। तो जो भी एक सीनियर प्रोफेशनल होता है कंपनी में, जो एक बड़ी डेजिग्नेशन में लेता, बड़ी डेजिग्नेशन में लेके बैठा हुआ होता है, उनको लेकर, अब जैसे आप जो हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शायद इस टाइप की चीजें लाइफ में देखनी पड़े। तो मैं आपको बस इतना सिंपल तरीके से एक चीज को बता देता हूं, लीनियंसी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। अगर कभी आप किसी कंपनी में सीनियर लेवल पोजीशन पे हैं और आपको ऐसा एहसास हुआ कि हमने कंपटीशन लॉ का उल्लंघन कर दिया है, अगर आपको ऐसा एहसास हुआ कि आप किसी आपकी कंपनी किसी कार्टल का हिस्सा है, तो सीसीआई एक लीनियंसी प्रोग्राम चलाती है। लीनियंसी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? लीनियंसी प्रावधानों के तहत अगर आप खुद, जैसे कंपाउंडिंग होती है ना, कंपाउंडिंग थोड़ा वैसा वैसा लगेगा आपको, लीनियंसी प्रावधान का मतलब होता है अगर कंपनी खुद कमीशन के पास जाके हाथ जोड़ दे, अगर कोई कंपनी खुद सीसीआई के सामने जाके सॉरी बोल दे कि सॉरी हमसे कंपटीशन लॉ का प्रावधान का उल्लंघन हो गया है, हम आपके सामने खुद सबूत लेकर आए हैं कि किस तरह से हमने गलत गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया है,
बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी पेनल्टी रिड्यूस कर दो, है ना। तो लीनियंसी प्रावधानों में क्या होता है कि कंपनीज खुद जाती है कमीशन के पास, खुद जाके सॉरी बोल देती है। अगर कोई भी कंपनी खुद जाके सॉरी बोल दे, पूरे के पूरे खुद से सबूत दे दे कि किस तरह से वो कार्टल का हिस्सा बने, पार्टियों और कौन सी कंपनीज कार्टल का हिस्सा हैं, कार्टल किस तरह चलता है, कार्टल में किस तरह कार्टल को चलाया जा रहा है, किस तरह एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की जा रही है, ये सारी चीजें अगर कोई खुद जाके बता दे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी पेनल्टी कम कर सकती है। हालांकि कंडीशंस हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो कमीशन आपकी पेनल्टी रिड्यूस कर देती है। खास बात यह है कि आपको अपनी तरफ से सच बातें बोलनी है, फॉल्स डिस्क्लोजर्स नहीं देने हैं, और पूरे सबूत आपको लेके जाने हैं। उसमें भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या बोलती है, जो सबसे पहले आकर बताएगा उसको 100% पेनल्टी माफ कर देंगे। तो मान लीजिए चार सीमेंट कंपनियों का कार्टल चल रहा है, तो सबसे पहले जो जाके कमीशन को बता देगा उसकी पूरी पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी, और सेकेंड नंबर वाले की थोड़ी कम, थर्ड नंबर वाले की थोड़ी कम। तो लीनियंसी प्रावधान जो है ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सीसी 3114, ठीक है। हितेश्वर भाई का एक सेक्शन के ऊपर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आया है, हितेश भाई मैं वो 3114 ले लेता हूँ आपकी, डोंट वरी, 3114 को अभी किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो लीनियंसी अभी लीनियंसी प्रोविजन का मीनिंग क्या होता है ये समझ गया क्या? लीनियंसी प्रोविजन का मतलब क्या होता है समझ गया क्या? लीनियंसी प्रावधानों का मतलब ये है कि अगर कोई कोई पर्टिकुलर कंपनी को खुद से लगता है कि उन्होंने कॉम्पिटिशन लॉ का उल्लंघन कर दिया है, सीसीआई के पास जाओ, सॉरी बोलो, पूरे सबूत दे दो, दूसरे लोग कौन कौन गलत काम कर रहे हैं सबके लिए सबूत दे दो, जितने लोग कांड पीट रहे हैं सबके बारे में पूरे सबूत, सब एविडेंस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दो, सीसीआई के साथ कोऑपरेट करो, पूरी पेनल्टी माफ हो जाएगी। कोई भी एडजुडिकेटिंग बॉडी पेनल्टी इसलिए माफ करती है क्योंकि अगर सीसीआई खुद से इंक्वायरी करती, उनका टाइम जाता, उनके रिसोर्सेज खर्चा होते, और उसके बावजूद भी शायद उनको पूरी तरह से पता नहीं चल पाता कि किस तरह लोग कांड करते हैं। तो ये जो लीनियंसी प्रावधान है इसीलिए कानून में स्थापित किए जाते हैं कि हमें पता चल पाए कि कांड करने का नया नया तरीका क्या है। तो एडजुडिकेटर जो होते हैं, मतलब जैसे कमीशन जो है, वो इसीलिए लीनियंसी प्रावधान लेकर आई है क्योंकि कार्टल्स को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी भी कार्टल्स को क्रैक करने के बाद पूरे सबूत हाथ लगते नहीं है क्योंकि सबूत होते ही नहीं है, सब इनफॉर्मली तरीके से कार्टल्स ऑपरेट होते हैं। तो अगर कोई पूरी जानकारी दे देता है तो सीसीआई को बड़ी मदद मिलती है केस को क्रैक करने में और आगे के फ्यूचर कंडक्ट को किस तरह से रेगुलेट करना है उसको समझने में, इसीलिए सीसीआई माफी दे देती है। ये एक बात बताना जरूरी था। इसके अलावा और कोई बात है? यस यस यस। अब पर्सन का मीनिंग क्या होता है, इसमें सभी तरीके के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पर्सन इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जूरिस्डिक पर्सन। तो पर्सन में सबको ही आ गए, और एंटरप्राइज में कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो अगर आप, तो आप आ गए। तो इस कानून का उल्लंघन करना बहुत कठिन हो जाएगा। ओ नो, ओए होए 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 होए। सर आपने ये तो बताया कि सेक्शन 3 और 4 के केस में पेनल्टी कितनी लगती है, ये भी बता दो कि अगर कॉम्बिनेशन के केसेस में कोई इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करेगा तो पेनल्टी कितनी होगी। इट मे एक्सटेंड टू 1% ऑफ द टोटल टर्न ओवर और असेट्स विच एवर इज हायर। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन की इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करेगा तो पेनल्टी सिर्फ 1% ऑफ द टर्न ओवर, 1% ऑफ द असेट्स ही हो सकती है। अब आप बोलोगे सर 1% क्यों, अबे पागलों, बड़ी एंटिटीज है, कॉम्बिनेशन का थ्रेशोल्ड बन रहा है, मतलब बहुत दिग्गज एंटिटी है, तो उनके असेट्स और उनके टर्नओवर में 1% मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। पेनल्टीज कवर्ड, बेसिकली दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई वॉज ट्राइंग टू एड्रेस गाइस। तो अगर मॉनिटरी पेनल्टी
मॉनेटरी पेनल्टी अगर कोई देता नहीं है, अगर सीसीआई ने पेनल्टी इंपोज की और अगर कोई पेनल्टी आकर भरेगा नहीं तो सीसीआई कैसे उसको वसूल सकती है? तो पहली बात तो ये कि कमीशन जो है वो खुद का प्रोसीजर बना सकती है, लेकिन अगर वो खुद का प्रोसीजर नहीं बनाती ऐसे केस में वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत रेफरेंस दे देगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले इनकम टैक्स एक्ट में जिस तरह असेसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे टैक्स वसूलने के लिए, बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा। और उसके बाद इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स होंगे, एडजुडिकेशन ऑफिसर्स होंगे, वो लोग पैसा वसूलते बैठेंगे। इनकम टैक्स एक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, और इसीलिए मैं इनकम टैक्स एक्ट वाले प्रावधानों से बाहर हूं। ठीक है, यस सर को तंग करिए इसमें। या मोर और लेस कवर्ड। अभी भाई का एक डाउट आया हुआ है, हितेश्वर भाई ने एक डाउट पूछा हुआ है 3114 का, है ना? आइए 3114 ना ब्रदर, एक बार आप पेज नंबर बता दोगे क्या मॉड्यूल का? वन पॉइंट सेवन जीरो थर्टी वन फोर्टीन इफेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग बाय सीसीआई। अरे नो नो नीड टू वरी ब्रदर। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई प्रोसीडिंग इस कानून के तहत किसी के खिलाफ शुरू करेगी तो दूसरे कानूनों पर इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कोई दूसरे कानून में उसी कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो वो अलग से चलती रहेगी, इस कानून की इन्वेस्टिगेशन सीसीआई चलाते रहेगी, करते रहेगी, दूसरे कानून अपनी जगह। ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने आसान करके टेबल बना के दिया हुआ था, तो मुझे नहीं लगता अभी इसको वापस एड्रेस करने की जरूरत है। चलो भाइयों, आई थिंक वी आर डन। वी मे स्पेंड मोर एंड मोर एंड मोर टाइम, हम कितना भी टाइम स्पेंड करें, वो दीपिका पादुकोण बोलती है ना, ये जवानी दीवानी में की कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। ये बेसिकली होता है सीए वाले बच्चों के लिए कि हम कितना भी ट्राई कर लें कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो ये रिवीजन सेशन था, रिवीजन सेशन में मेरी टाइम कम टाइम में पूरा कवर करने की कोशिश थी, और इसलिए मेरे भाइयों मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो जो कर सकता था आई हैव ट्राइड माई बिट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। चेयरमैन कौन बनेगा, मेरे को लगता है कि बच्चे इक्विप्ड है, चेयरमैन कौन बनेगा ये याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप पढ़ लीजिएगा उसको। जो ऐसे प्रोसीजरल क्वेश्चन थे जिसमें मेरा मेरा बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स का बिल्कुल रोल ही नहीं है, वो सारी चीजों में मैंने अपने आप को ज्यादा यूज नहीं किया, वो सारी चीजों में आप खुद से पढ़ सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स जो हैं वो आपको अगर देखने का मन है तो एक बार देख लीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स, वो सारे पावर्स जो इंडिया में सिविल कोर्ट्स के पास हैं, किसी को समन भेजना, प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट, एविडेंस रिसीव करना, जो विटनेसेस आकर अपनी बयान दर्ज करवाते हैं उनको कमीशन देना, क्योंकि वो अपना काम काज छोड़ के आते हैं कमीशन में सिर्फ अपना विटनेस बनने के लिए, उनको कमीशन देना। उसके बाद एविडेंस एक्ट के तहत कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान के सरकारी ऑफिस से निकलवाना, ये सारी चीजें कमीशन एक्सपर्ट की मदद ले सकती है। कमीशन बोल सकती है कि कोई बुक्स को, कोई रिकॉर्ड्स को पेश किया जाए, डीजीए सेक्रेटरी को इंफॉर्मेशन फर्निश करने को बोल सकती है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट ऑल राइट। चलिए यहां हम लोग रुक रहे हैं। श्रेया जी, आपका जो एग्जाम होगा ना 6D का, 6D में कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड जितनी दुनियादारी होने वाली है उसका एक छोटू सा कंपाइलर है,
कंपटीशन लॉ पर मेरी स्पेशल क्लास है कल शेड। एक्चुअली मैं अभी मैंने स्पेशल क्लासेस कभी ली नहीं है सीए फाइनल में, तो स्पेशल क्लास शेड्यूल करने में क्योंकि मेरा अभी तक कोड उसमें शायद यूज नहीं हुआ था, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट स्पेशल क्लास शेड्यूल करने में दिक्कतें थी थोड़ी। अगर कल हो जाती तो कल, परसों हो जाती तो परसों। स्पेशल क्लास में मैं नोट्स आपको कैसे रेफर करना है, उसको कैसे पढ़ना है, वो सब बता दूंगा। एंड आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, वॉट एवर आई हैव नॉट कवर्ड इन माई कंपाइलेशन उससे रिलेटेड मैंने पेज नंबर लिखे हैं। आपके मॉड्यूल में कौन सी पेज नंबर में क्या लिखा हुआ है वो मैंने कंपाइल कर दिया है, तो काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चंस को क्रैक करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, यू लवली ऑडियंस, यू हैव बीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लवली ऑडियंस गाइस। और अगेन आई एम सी एस राहुल ठकवानी, एंड इफ यू लाइक माई क्लासेज, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई कोर्सेज, इफ यू वॉन्ट टू रेफर, इफ यू वॉन्ट टू सजेस्ट माई नेम टू योर फ्रेंड्स कॉलीग्स, यू गाइज कैन रेफर माई कोड। आप जब भी कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करें आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज राहुल 108। नहीं भी यूज करते तो सी ए फाइनल में जितने भी एजुकेटर्स हैं, आकाश कंदोई सर, हमारे बंसल सर, यश सर, अक्षांश गर्ग सर, राहुल सर, संयोग व्यास सर, आप किसी का भी कोड यूज कर सकते हैं सी ए फाइनल में। अगर आप लेते हैं कोई प्लस बैचेस, मेरा कोड यूज करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यू आर लाइकिंग मी एज वेल। तो राहुल 108 इज माई कोड। देन वॉट नॉट, इसके अलावा तो भाइयों आपको सब पता ही है, जो नॉवेल कानून है, तीनों नॉवेल कानूनों में मुझे मदद करनी है। ये तीन नॉवेल कानून जो है इसमें मैं मेरे तरफ से एक एफर्ट मारने वाला हूं, 6D में थोड़ा हेल्प हो जाए। थैंक यू, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, फॉलो मी इन अनअकैडमी, एंड If you like our plus batches, do join our plus batches. Use Rahul 108. मेरा कोड थोड़ा स्प्रेड कर दो यार, बिकॉज इफ पीपल विल नॉट यूज माई कोड, अनअकैडमी विल थिंक दैट यू नो राहुल सर इज नॉट अ प्रिफर्ड टीचर। तो यू विल हैव टू यूज माई कोड टू इंश्योर दैट यू नो माई फीडबैक इज गुड। तो यूज Rahul 108, दैट इज माई कोड फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड थैंक यू। यू कैन लाइक द channel, you can like, you can subscribe the channel, you can like the video, and you can press the bell icon, you will get the feedbacks. Thank you guys, you have been a lovely audience. YouTube pe playlist Yogesh bhai bana li, aaj main fir se meri team ko bol dunga. Shivani ji, point taken, FEMA IBC bhi karwana hai, karta hu yaar, koshish jari rahegi bhaiyo. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आईबीसी और फेमा में आपकी मदद कर दूं। देखो यार, अगर आईबीसी फेमा बोलोगे वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सी ए फाइनल लॉ तो मैं पढ़ाता ही हूँ, सी ए फाइनल लॉ में फेमा और आईबीसी तो मैं पढ़ाता ही हूँ। पगलों, मेरे साइड से ज़्यादा मेहनत जहाँ लगने वाली थी ना, जहाँ मेरी मराई ज़्यादा होने वाली थी, वो क्या था? वो ये टॉपिक्स थे जो लॉ में नहीं है। सी ए फाइनल लॉ का तो मेरा पूरा प्लस बैच है ना, रेगुलर बैच है मेरा, वो तो किल कर रहे हैं अपन उसमें। आपको ये सोचना चाहिए कि राहुल सर हमारी वहां मदद कर दो जहां कहीं और से होगी नहीं। तो मैं इसलिए आपको कंपटीशन लॉ, रेरा और बेनामी ट्रांजैक्शन अपने तरफ से बताने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसमें फाइनल लॉ वाला फैकल्टी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमारी तरफ से ये तीन चीजों में ज्यादा मेहनत थी, तो पहले मैं वो खत्म करने का कोशिश कर रहा था। आईबीसी फेमा वेमा तो सब ऊपर आता ही है ना लॉ में, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाता है, और अभिषेक सर का लाइव बैच चल रहा है, प्लस बैच चल रहा है, संयोग व्यास सर का प्लस बैच चल रहा है। तो आपको फेमा वगैरह में थोड़ा हेल्प चाहिए, संयोग व्यास सर भी हैं, अभिषेक सर भी हैं। तो आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो चीज में अभी गैप है, आपको जो चीज नहीं मिल रहा है, मैं वो चीज को पहले सॉल्व कर दूं। फेमा आईबीसी ये सब तो अवेलेबल रहेगा ना प्लस बैचेस में, आप उसका काहे टेंशन ले रहे हो, मैं उसमें भी कर दूंगा। लेकिन मैं आपको मेरा पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ उल्टा मेरी मेहनत ज्यादा है, इसमें भी मेरी मेहनत ज्यादा है, इसमें मेरी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि रेगुलर जो बैच होगी लॉ की उसमें ये सब नहीं है, है ना, इसीलिए पहले ये चीजें चुनी गई। हालांकि मैं समझ गया हूँ आईबीसी और फेमा का प्रॉब्लम, उसमें भी मैं आता हूँ, करते हैं उसमें कुछ कमाल। पहले कंपटीशन कमीशन वाला, कंपटीशन लॉ वाला खत्म कर देंगे कल परसों में, ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक एक चैप्टर भैया 18-18-20 नंबर का है, उतनी ही शिद्दत से पढ़िएगा जितनी शिद्दत से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। 100 नंबर का सब्जेक्ट है, 100 में से मिनिमम 50 इसमें भी लेकर आना है, तो इसकी भी प्रिपरेशन वैसी ही तगड़ी लेवल पे करना है जिस तरह से आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो, है ना। नंबर 100 ही मिलने हैं एग्जाम में, नंबर 400 में से 200 लाने हैं, 50 इसमें भी लाने हैं। तो आप ये मत सोच के चलना कि इसको इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करेंगे इसको, ठीक है। चलिए क्लास, थैंक यू, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस।
फिर मिलेंगे चलते चलते मित्रों, दुआ में याद रखना और वीडियो को फैला दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो अच्छा होगा। आज का जो इंटेंशन था बिफोर आई क्लोज द सेशन, इंटेंशन ये था कि सारे आड़े टेढ़े चीजें जहां पे आपको अपनी तरफ से ज्यादा टाइम लगता, अपनी मेहनत ज्यादा मराई करनी पड़ती, वो हमने आज लिया। ये हमने कभी भी नहीं बोला कि हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। आज का इंटेंशन ये था, जो आड़ी टेढ़ी चीजें थी ना जहां पे आपका बहुत टाइम जाता था, उसको कम करने की कोशिश थी। ऐसी छोटी चीजें जिसमें आपका ध्यान अदरवाइज नहीं जाता, सिर्फ हमने वही चीजें पकड़ी। इसके बाद कोई भी डाउट्स है एक पेपर पे लिख कर रख दीजिए, स्पेशल क्लास जब भी कॉम्पिटिशन लॉ पे होगा पूरा 1 घंटा डाउट्स ही डाउट्स होगा, सब डाउट लेकर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, स्टॉपिंग द स्ट्रीम।